फॉरेस्ट्री में अपना जो सेकंड पेपर है उसके सेक्शन ई में पांच सब्जेक्ट को रखा गया है। बेसिकली उन पांच सब्जेक्ट में एक तो है अपना फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और उसी से एक जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है वर्किंग प्लान, एक और सब्जेक्ट है काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है फॉरेस्ट मेंसुरेशन, जिसमें जो पेड़ हैं उनकी डायमीटर है, हाइट है, एज है, उसकी कैलकुलेशन का काम किया जाता है। और उसी से एक जुड़ा सब्जेक्ट और है रिमोट सेंसिंग, क्योंकि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ साथ जो पहले फॉरेस्ट मेजरमेंट के जो काम थे, यानी कि ट्री के डायमीटर या हाइट निकालना है, तो वो अब वैसे नहीं होते, अब अपन रिमोट सेंसिंग जो टूल हैं उनसे यूज कर लेते हैं, तो उसी से लिंक सब्जेक्ट है। और एक लास्ट में एक और सब्जेक्ट है, वो है फॉरेस्ट सर्वेइंग एंड इंजीनियरिंग। तो ऐसे कुल मिला करके पाँच सब्जेक्ट मिलकर अपना ये सेक्शन ई को बनाते हैं। अब इसमें यह है कि आज अपन इसमें फॉरेस्ट मैनेजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, और फिर रिमेनिंग ग्रेजुअली अगले 5-6 डेज में ये सभी जो अपना सेक्शन है उसे कंप्लीट कर लेंगे। फॉरेस्ट मैनेजमेंट में बेसिकली जो आज हम पढ़ने वाले हैं या जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, इसका एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी है उससे काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि जो एक्चुअल मैनेजमेंट होता है जिसे हम प्रैक्टिकली जो करते हैं उससे जो थोड़ा बहुत वेरिएशन आ रहा है उसके पीछे रीजन है कि ये जो सब्जेक्ट की डिजाइनिंग की गई थी ये लगभग 70-80 के ज़माने के टाइम पे जो कोर्स करिकुलम बनाए गए थे उसी टाइम की चीज़ें ये चल रही हैं। उस टाइम पे हमारा जो बेसिक एम था वो था प्रोडक्शन से, हम लोग एक फॉरेस्ट को एक प्रोडक्शन पर्पज़ के हिसाब से समझते थे और उसी एंगल के हिसाब से हमने अपनी ये चीज़ें चल रही थी। लेकिन बाद में अपने बहुत सारे एक्ट आए, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, अपनी सेकंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आ गई थी 1988 की, और मैन कुल मिला के जब 96 में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार उस पर डिसीजन दे दिया था, उसके बाद जो हमारा फॉरेस्ट के प्रति प्रोडक्शन वाला जो एंगल था वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया। अब हमारी जो प्रायोरिटी में है वो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन है, और जो अभी करंट ड्राफ्ट आया है वो एक्चुअल में प्रोडक्शन से को ऐसे समझ लो कि 5-10% बचा है उसका, और पूरा कुल मिला के जो एम हो गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वो प्रोटेक्शन पर्पज़ की तरफ चला गया है। तो जो अपना फॉरेस्ट मैनेजमेंट जिसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये पूरा का पूरा प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसी को क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमें, क्योंकि जो हमारे एकेडमिक्स में है एक GCPTC एक किताब है राम प्रकाश की आती है फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो अब वही काफ़ी लंबे टाइम से वही चल रही है एकेडमिक्स में, वही है, वही टीचर है, वही पेपर सेटर है, मींस एवरेज सभी के सभी वही होते हैं, तो एवरेज वही चल रहा होता है तो सभी उसी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसी से क्वेश्चन बनते हैं, और आपको भी वही पढ़ करके आंसर देने होते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती नहीं है, तो अपन भी उसी हिसाब से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर दो एंगल आते हैं, सबसे पहले तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट में ये तो समझ में आ गया, दूसरा है फॉरेस्ट मैनेजमेंट में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली जिस हिसाब से हम लोग इसके एरिया कवर करेंगे उसमें एक तो इसका पार्ट रहेगा जिसमें हम लोग इसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह को डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर जो डिपार्टमेंट है उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, और इससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है जैसे कि रोटेशन क्या है, रोटेशन वगैरह की जो टर्म आती है, इंक्रीमेंट क्या है, एज ग्रेडेशन, एज क्लास वो क्या है, वो सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। फिर इसका आता है मैन थीम, मैन थीम है इसका मतलब है मैन थीम का जिसमें हम एक्चुअल में यील्ड रेगुलेशन करते हैं, जिसमें आप अपने सब्जेक्ट में स्टडी मटेरियल में भी देखोगे कि लास्ट में जो है यील्ड रेगुलेशन वो इसका मैन है, एक्चुअल में वही किया जाता है, और फिर इसके लिए वर्किंग प्लान बनाएंगे वो अलग सब्जेक्ट में आ जाता है। तो पहले इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर इसके बाद कैसे करते हैं यील्ड रेगुलेशन उसे समझेंगे, इस हिसाब से अपना फॉरेस्ट मैनेजमेंट कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें एक और होता है जैसे फॉरेस्ट है तो बेसिकली JFM भी कई बार इसी से जुड़ा होता है, लेकिन अपने सब्जेक्ट में पेपर ए में डला हुआ है तो वहाँ उसे वहीं पर डिस्कस कर लिया, यहाँ पर करने की कोई अपना उद्देश्य है नहीं। अब देखते हैं कि आखिर ये जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ये है क्या। अगर इसमें हम फॉरेस्ट और मैनेज दो अलग अलग टर्म कर दें तो
तो मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, कोई बिजनेस है, सपोज आपके पास एक कोई बिल्डिंग है जिसमें आपने एक कंपनी खोल रखी है, आपका काम है उसे मैनेज करना। मैनेज करने का मतलब है आप उसका स्टाफ है, जिसे जनरली अर्गोनॉमिक्स टर्म यूज करते हैं कि स्टाफ जो है वो कैसे इफ़िशिएंटली वर्क कर पाए। दूसरा, बिल्डिंग की खुद की अपने बखती है, प्लस आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो वो प्रोडक्ट्स बाहर मार्केट में जाएगा और मार्केट से इकोनॉमी आपके पास वापस आएगी। तो इस टाइप से आप अगर उसका मैनेज कर रहे हो तो आपको ये एंगल है, ह्यूमन एंगल है, प्रोडक्शन एंगल है, मार्केटिंग एंगल है और बिल्डिंग के सेल्फ, ये सारे एंगल्स को इस हिसाब से मैनेज करना है, इस सस्टेनेबल वे में मैनेज करना है कि आपका प्रोडक्शन सही हो, आपकी कंपनी ग्रोथ करे, ऐसा नहीं कि उसका भट्टा बैठ जाए। ये है आपका कंपनी का मैनेजमेंट। अब यही प्रिंसिपल को उठा के फॉरेस्ट्री पे अप्लाई कर दो, नहीं चलेगा। यही प्रिंसिपल को उठा करके फॉरेस्ट्री पे अप्लाई कर दो। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या हुआ, आपके जो प्रिंसिपल हैं, यहाँ पर मैं फॉरेस्ट ले लेता हूँ, इसको एक पेड़ से बना देता हूँ। आपके जो प्रिंसिपल हैं, जो कि आपकी इकोनॉमी के प्रिंसिपल हैं, आपकी साइंस टेक भी हो सकता है, आपके इकोलॉजी के प्रिंसिपल हैं, ठीक है, अर्गोनॉमिक्स के प्रिंसिपल हैं, ई अर्गोनॉमिक्स मतलब अर्गो नॉमिक्स, फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन में ये टर्म आएगा। ये सारे प्रिंसिपल्स को फॉरेस्ट पे लगा रहे हो, पर्पज है कि इससे जो प्रोडक्शन है वो एक सस्टेनेबल वे में आपको प्रोडक्शन मिलता रहे, जिससे आपकी जो इनकम है वो परपिचुटी पे, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पे आपको कंटिन्यूस मिलता रहे। ऐसा ना हो कि अभी 2 दिन तो बल्ले बल्ले हैं, फिर इसके बाद ख़त्म हो गया, तो ये कंटिन्यूस मिलता रहा है। ये है फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब देखते हैं आखिर आप फॉरेस्ट मैनेजमेंट करना क्यों चाहते हो, आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं देखो कुछ कुछ तो एम होगा, खाली फीली थोड़ी बैठे हो, खाली थोड़ी हो, बेरोजगार हो, बोला खाली था इसलिए फॉरेस्ट मैनेज कर रहा हूँ, तो कोई ऑब्जेक्टिव होगा आपका। अब ऑब्जेक्टिव के साथ किस्सा ये है कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, जैसे जो एकेडमिक्स में जो टीचर कॉपी चेक कर रहे हैं, तो क्योंकि राम प्रकाश में इस टाइप से लिख रखा है कि जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेशल ऑब्जेक्टिव, तो वही वो चेक करते आ रहे हैं करते आ रहे हैं। तो उन्हें भी क्या है कि अगर तुम इनलिस्ट सिंगल लाइन में कर दो, अगर टीचर थोड़ा ठीक हुआ तो वो अच्छे मार्क्स दे देगा, और अगर ट्रेडिशनल टाइप का आ गया भाई, मोटे चश्मा लगाए हुए हैं, तो वो शायद थोड़ा बहुत आनाकानी कर सकता है। इस वजह से आपको इस यहाँ पर भी नोट्स में भी जनरल और स्पेसिफिक को सेपरेट करके लिखा है। करना कुछ नहीं होता है, जैसे इनलिस्ट करना है बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। जैसे इनलिस्ट में आपके पास जो पेज है आपका, आप 1 2 3 4 5 बस ऐसे ही करना है, बस यहाँ पर लिख देना जनरल ऑब्जेक्टिव और इनलिस्ट कर दो, और यहाँ पर लिख दो कि स्पेसिफिक और इनलिस्ट करते चले जाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस यह इससे थोड़ा ये हो जाता है, सिक्योर मोड में चले जाते हैं कि ट्रेडिशनल टाइप के जो कॉपी चेक करने वाले हैं या जनरल, तो दोनों ही में हैंडल हो जाता है। अब अपन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, हम फॉरेस्ट क्यों मैनेज करना चाहते हैं। पहला है कि अगर हमारा फॉरेस्ट का प्रोडक्शन का पर्पज है, तो अपने मैक्सिमम कैपेसिटी से हमें जो प्रोड्यूस दे रहे हैं वो दे पाए, उनमें कोई लॉस ना हो। और अगर प्रोटेक्शन का पर्पज है, जैसे कि अगर हम CO2 के सिंक की बात करें, ये सपोज हिमालय में ग्रो कर रहा है, पर्पज है कि जो रन ऑफ है वो कम से कम हो, तो वो पर्पज हमारा हो सकता है रन ऑफ वाला, यानी कि प्रोटेक्शन का पर्पज है। तो फॉरेस्ट है वो अपनी ज़्यादा इफेक्टिवली ये काम कर पाए। ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज का इशू है, तो ये अगर कार्बन सिंक की तरह काम कर रहा है, तो बेटर तरीके से कार्बन सिंक का काम कर पाए, तो वो पर्पज हो सकता है। यहाँ पर प्रोटेक्शन पर्पज है। अब क्योंकि फॉरेस्ट है तो उसके अंदर वाइल्ड लाइफ है, तो वाइल्ड लाइफ या फिर ऐसी आज के टाइम पे बहुत सारी जो स्पीसीज हैं जो इंडेंजर्ड हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, तो उनको प्रोटेक्शन देना हो तो वो भी एक मुद्दा आ जाता है, यानी कि प्रोडक्शन प्रोटेक्शन और इनके हैबिटेट से रिलेटेड है। एक आता है कि जो पीपल जो फॉरेस्ट में हैं वो उसको सही तरीके से यूज कर पाए, यानी कि जो जंगल के लोग हैं, सबसे पहले तो उनकी ज़रूरतें पूर्ति हों, क्योंकि भाई जंगल
जब डिपार्टमेंट के पास नहीं था, सबसे पहले इन्हीं के पास था। भले ही राजा महाराजा थे, वो एक ऊपर से उनके अंडर फॉरेस्ट आता था, लेकिन बेसिकली इन्हीं के अंडर था पूरा। तो ये जंगल को हजारों सालों से मैनेज करते आ रहे हैं और यही जंगल के ओरिजिनल जो स्टेक होल्डर हैं, तो कम से कम सबसे पहले इनकी बेसिक ज़रूरतें पूर्ति होनी चाहिए। और एक आता है नॉर्मल फॉरेस्ट, हमारा एक आइडियल होता है, हमारा हमेशा से एम रहा है कि हम हमेशा अपने फॉरेस्ट को नॉर्मल फॉरेस्ट अचीव करना चाहते हैं। नॉर्मल फॉरेस्ट मतलब एक टाइप से आइडियल फॉरेस्ट। जैसे आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी का कोई सीईओ होता है, या फिर आप ऐसे मान लो कि आपने एक अपनी ज़िंदगी का एक आइडियल बना रखा होता है कि भाई ये आइडियल पर्सन है, ये एक कैरेक्टर है इसमें, और ये एक आइडियल पर्सन है, यानी कि एक स्टैंडर्ड पर्सन है, और आप हमेशा चाहते हो कि आप अपने आप को या अपनी कंपनी को या अपने लोगों को उसके लेवल पर पहुंचाना चाहते हो। तो वो जो आइडियल है वही है नॉर्मल फॉरेस्ट। ये रियलिटी में कुछ नहीं होता, आगे जाके इस पे नॉर्मल फॉरेस्ट पे पूरा एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसका मतलब एक आइडियल फॉरेस्ट होना। अब ये तो रहे अपने जनरल पर्पज़ जो हर जगह अप्लाई होते हैं। कुछ पर्पज़ हैं जो स्पेसिफिक हैं, जैसे कि सपोज कल फ्रांस इंडिया के बीच में डील हो जाती है और राफेल का प्रोडक्शन अपने यहाँ होने लगता है, वहाँ पर राफेल में जो पायलट है उसकी बैठने की जो सीट है उसमें एक स्पेसिफिक टाइप की टिम्बर का प्रोडक्शन करना है। तो वो टिम्बर के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्पेसिफिक टाइप की प्लांटेशन या ट्री स्पीसीज को ग्रो करना पड़ेगा जिससे उस इंडस्ट्रियल डिमांड को पूरा किया जा सके। तो इस टाइप से कोई आपकी इंडस्ट्रियल डिमांड है उसके लिए कर सकते हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या है, आप अर्बन के लिए फॉरेस्ट्री के लिए कर सकते हैं। या फिर आज के टाइम पे जो वेस्ट लैंड है, कोई माइनिंग है और कहीं ओपन कास्ट माइनिंग पड़ी होगी, आप उसका एफोरेस्टेशन करना चाहते हो, आपने वहाँ पर कर दिया जिससे ये माइनिंग एरिया का काम हो सके, जिससे अगर कम से कम कुछ नहीं तो माइनिंग में अगर वो एरिया है वहाँ पर अगर 1000 पेड़ हैं तो कुछ ना करेंगे तो CO2 का सिंक तो करेंगे, तो इस टाइप से वो मेंटेन हो जाता है। अब जैसे INDC का है, तो समझ लो कि हमने INDC में यानी कि पेरिस एग्रीमेंट में कमिटमेंट किया था कि हम 2030 तक 30 बिलियन टन तक का कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे। तो अब ये बोल दिया है तो उसके हिसाब से हमें करना ही पड़ेगा, तो कम से कम ये हमारे ऑब्जेक्टिव में ये हो जाता है। अब आता है कि अगर हम जो फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं वो उस किस प्रिंसिपल पर करेंगे, आपकी ज़िंदगी की कुछ नीतियाँ होंगी ना, कुछ अपने मूल्य होंगे, मूल्य मतलब जो जिन उसूल आप कुछ ज़िंदगी कुछ उसूलों पे काटोगे, कंपनी भी कुछ उसूलों पे तो चलेगी। ऐसा थोड़ी कि मैंने आपको प्रोडक्ट बेच दिया, मैं जाके सो जाता हूँ, भाड़ में जाओ आप, ऐसा तो नहीं चल सकता, कुछ तो उसूल होंगे। तो वैसे ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट करने के कुछ अपने उसूल हैं, ये उसूल हमें कहाँ से पता पड़ेंगे, वो डिसाइड करते हैं अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी। अभी तक अपने यहाँ 3 फॉरेस्ट पॉलिसी आ चुकी है। पहली फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1894 में, सेकंड आई थी 1952 में, और थर्ड आई 1988 में। अभी चौथी का ड्राफ्ट आया है, उस पर काम चल रहा है, पॉसिबल हुआ तो इस साल के एंडिंग तक आ जाए। तो इस टाइप से 3 फॉरेस्ट पॉलिसी आई हैं। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बता दूं, ये जो फर्स्ट पॉलिसी है, ये जो 1952 की जो सेकंड पॉलिसी है, इसे बोला जाता है फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, और इसे बोला जाता है सेकंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, क्योंकि आज़ादी की बात है तो नेशनल टर्म जुड़ा हुआ है। फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, सेकंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, या फिर थर्ड फॉरेस्ट पॉलिसी, ये दोनों जो फॉरेस्ट पॉलिसी हैं उनमें बताया गया है कि आखिर हमें अपने जंगल या जो अपने पास फॉरेस्ट रिसोर्सेस हैं उन्हें हमें कैसे मैनेज करना है। दोनों ही पॉलिसी बोलती हैं कि हमें जो फॉरेस्ट मैनेज करना है वो सस्टेनेबल तरीके से करना है, यानी कि जो जंगल है उसे इस हिसाब से मैनेज करना है कि हमारे देश की जो ज़रूरतें हैं, जो रिक्वायरमेंट है, वो भी कंप्लीट हो, और जंगल जो है वो ग्रोथ करें, वो बचे रहें, बर्बाद ना हो, तो सस्टेनेबल तरीके से मैनेज हो। लेकिन ये तो मेनली सस्टेनेबल की बात करती थी, लेकिन ये जो पॉलिसी 88 की है ये थोड़ी टिल्ट हो गई है प्रोग्रेसिव इल्ड की तरफ। तो इस टाइप से दो सिस्टम है या दो तरीके हैं या दो विचारधारा है, एक है सस्टेनेबल इल्ड, दूसरी प्रोग्रेसिव इल्ड। सस्टेनेबल यील्ड वालों का कहना है कि जो यील्ड हो बराबर हो, लगातार हो और सेम यील्ड हो,
इनका कहना है इस जंगल से हमेशा 100 रुपए मिलते हैं तो 100 रुपए ही मिलते रहे। इनका कहना है प्रोग्रेसिव वीड वालों का कि भाई जंगल है, समय के साथ हमारी ज़रूरतें बदल रही हैं, जंगल आज 100 दे रहा है तो कल ही 100 क्यों दे, कल 110 दे, परसों 120 दे, यानी कि समय के साथ इसका जो इनकम है वो बढ़ना चाहिए। आगे जाके इन पर टॉपिक है वहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर दो सीधे सीधे मुद्दे थे कि कौन से प्रिंसिपल पे चलेंगे। अब देख लेते हैं पिकुलैरिटी ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, आखिर फॉरेस्ट मैनेजमेंट में हमारी समस्याएं क्या है। पहली बात है यहाँ पर ये जो समस्या है उन्हें स्टैटिस सब हेडिंग में डिवाइड करने की कोशिश की गई है, लेकिन इन्हें याद ही रखना है, ये मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, कभी भी आप इन्हें स्टैटिस सब हेडिंग मत करिए। एक क्लाइमेटिक एडेप्टिव जो समस्या डिस्कस करेंगे उन्हें क्लाइमेटिक एडेप्टिव टाइप से ना करके जस्ट ऐसे समझिए जिससे आपके दिमाग में रहे कि पिकुलैरिटी है क्या, उन्हें सीधे सीधे टू द पॉइंट लिखें। बस इसे याद रखने के लिए यूज करना है कि पहली समस्या लिखनी है क्लाइमेटिक है, अब फॉरेस्ट है, ओपन है, फ्रॉस्ट पड़ गया इन्हें दिक्कत आ गई, आग लग गई उत्तराखंड है, ग्राउंड फायर लग गई, ग्राउंड फायर लग गई। तो इस टाइप से आपने कहीं का फॉरेस्ट मैनेज किया, 25 साल से मेहनत कर रहे थे, सस्टेनेबल सस्टेनेबल के गीत गा रहे थे और एक दिन जंगल में आग लग गई, आपका आधा सस्टेनेबल खत्म हो गया, आधा जंगल जल के साफ हो गया, वाट लग गई। तो इस टाइप से बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर हैं, सूखा पड़ गया, फ्रॉस्ट पड़ गया, बाढ़ आ गई, जंगल की वाट लग गई। तो ये क्लाइमेटिक फैक्टर है जो आपकी पहली समस्या है। दूसरी समस्या है मिट्टी की। आप तो सस्टेनेबल बोल रहे हो, आपका कहना है कि ये सपोज आपके पास 100 हेक्टर का एरिया है, आपका 100 साल की क्रॉप है, कि आज रखाओ 100 साल बाद हार्वेस्ट होगी, और आप क्या करते हो आगे रोटेशन में समझ लेंगे कि इस पूरे एरिया को 100 छोटे छोटे बिस्किट में यानी कि छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर देते हो और हर साल एक पीस की लकड़ी काट लेते हो, 100 साल रोटेशन है, 100 साल में आप यहाँ से घूमते 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 एंड पे पहुँचोगे, तब तक पहला फिर कटाई। फिर साथ आप सस्टेनेबल तरीके से हार्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पूरे एरिया की क्या मिट्टी एक सी होगी, ये कोई फार्म थोड़े जनरली जो अपने खेत होते हैं उनमें क्या कितना भी बड़ा हो ना तो सभी पूरे उसके सभी पॉइंट्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो बराबर होती है, लेकिन फॉरेस्ट में ऐसा नहीं होता। अपनी कोई पहाड़ी या ढलान है, ढलान की प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं होती जितनी जो वैली भी है, क्योंकि ढलानों से जो पानी है रन ऑफ के साथ जो ऑर्गेनिक है वो पूरा वैली में लेके आ जाता है, तो वैली में प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, प्रोडक्शन भी अच्छा मिलता है, वाटर भी अच्छा मिलता है, मॉइस्चर। तो ये जो है सॉइल है, सॉइल से रिलेटेड चीज़ें हैं, सॉइल में फंगाई है कि नहीं, सॉइल में नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है कि नहीं, सॉइल एसिडिक है, एल्कलाइन है, बायोटिक फैक्टर। आप फॉरेस्ट मैनेजमेंट की ट्राई कर रहे थे तब तक आपने प्लांटेशन वर्क किया, आप घर से चले गए सोने के लिए, रात में एलिफेंट का ना झुंड आता है नाश्ता करने के लिए, वो पूरा आपका जो एरिया था उसे नाइट में डिनर ही जाएंगे, तो पूरा डिनर करके चले गए, सुबह गए तो आपको पता पड़ा तो वो सुबह गया, तो ये बायोटिक हो सकता है। एक एग्जांपल और है, कई बार शूट करने में काम आ जाता है, 1998 में 1998 में एमपी में मेजोरिटी जो साल होता था वहाँ पर एक स्टैम्प हो रहा है, एक इंसेक्ट है साल बोर्डर के नाम से, साल हाइटबूट बोर्डर एक इंसेक्ट है, तो जो पेड़ थे साल के उसके अंदर घुस गया और उसने अंदर ही अंदर से खोखला कर दिया। कहने का मतलब है कि हम लोग जो फिर जंगल में पेड़ लगाते हैं उसका पर्पज क्या है, कि आज हम पेड़ लगा देंगे 40 साल बाद हम उसे काटेंगे तो कुछ लक्ष्मी खतना हुई, लेकिन वो टिम्बर वो जो इंसेक्ट था वो टिम्बर के अंदर घुस गया, उसने अंदर से उसे खोखला कर दिया। हम बस मस्त से देख रहे हैं कि हाँ बढ़िया पेड़ है काटेगा, और जब हम उसे काटने जाते हैं तब पता पड़े भाई ये अंदर तो खाली हो गई, मतलब अपना जो वैल्यूएबल टिम्बर था वो साफ कर दिया उसने, सस्टेनेबल यील्ड की लग गई बात। तो ये रहे अपने बायोटिक फैक्टर्स, टोपोग्राफिक में अपनी पहाड़ी वैली वाला जो था वो केस इसमें हो गया। इसके अलावा भी कुछ सोशियो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, हम जो फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं पहली बात तो ये कि फॉरेस्ट ऐसा नहीं होता कि किसी सिटी या टाउन के पास हो,
ऑब्वियसली ये रिमोट लोकेशन तो होती है, वहाँ पर मैनेज करने के लिए कोई जानना चाहता नहीं। सभी ये चाहते हैं कि उनकी जो जॉब हो वो या तो डिस्ट्रिक्ट में हो या जो मेट्रो है वहाँ पर हो, हद से ज़्यादा तहसील में हो, लेकिन रूरल एरिया में कोई नहीं जाना चाहता। जबकि फॉरेस्ट पूरे रूरल में है, ऐसी ऐसी जगह है कि जहाँ पर आपको इंसान देखने के लिए 2 2 दिन लग जाते हैं, 3 3 दिन इंसान नहीं देखते। ऐसे भी आपको फॉरेस्ट एरिया के जो डीप पैचेज मिल जाएंगे कि जहाँ एक फॉरेस्ट गार्ड जो है उसे 4 5 दिन में उसी का दूसरा भाई दिख जाता है, फॉरेस्ट गार्ड वाला, उसे इंसान दिखने में महीने महीने भर लग जाते हैं। और ऐसे भी अधिकारी मिलेंगे आपको जिनकी पूरी जॉब निकल गई, उनने ज़िंदगी में टाइगर नहीं देखा। तो ये जो है फॉरेस्ट है वो रिमोट लोकेशन है, उसकी समस्या है। नेक्स्ट, उसमें मैनेज आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि जो आपकी मनमर्जी है वही चलेगी। उसमें ट्राइबल्स हैं, उनके भी कुछ राइट हैं, ह्यूमन राइट का इशू आ जाता है, ट्राइबल्स के लाइवलीहुड के राइट हैं, तो उनके राइट हैं उनको भी देखना पड़ता है। तो ये अपने सोशियो इकोनॉमिकल भी इशू है। और लास्ट है टेक्निकल इशू। हम मैनेज करेंगे उस हिसाब से जो हमारी औकात है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से। मैनेज करने के लिए कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है, रिमोट सेंसिंग के कुछ ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए। वो टेक्नोलॉजी जैसे तैसे हम यूएस वालों से खरीद लेते हैं, पैसे दे दिए क्या, अब उसे हैंडल करना नहीं आ रहा हमें, क्या हम करें कैसे। तो वो भी दिक्कत है कि हम अपने क्या लिमिटेशन है, हमारी क्या स्किल है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये समझ में आ गया कि हमारे आखिर फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड पिकुलैरिटीज क्या है। अब समस्या है तो उनका समाधान भी होगा। और समाधान क्यों पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन भी आ चुका है कि भाई फॉरेस्ट की जो पिकुलैरिटीज हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए। अब देखो, हर चीज़ को तो सॉल्व नहीं किया जा सकता, बस ये है कुछ चीज़ों को रोका जा सकता है। जैसे कि अगर सोलर रेडिएशन है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता। ऐसा थोड़ी कि सूरज से बोल दिया भाई अपने अगले 1 महीने के लिए छुट्टी पे चले जाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जैसे कि कहीं रेनफॉल है, अब रेनफॉल अगर कहीं कम हो रही है तो आप वहाँ पर आर्टिफिशियल इरीगेशन कर सकते हो, लेकिन उसकी अपनी लिमिटेशन है, एक लिमिट से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, इनिशियल फेज में कुछ प्रोवाइड करवाया जा सकता है। कहीं अगर फ्रॉस्ट की समस्या आ रही है तो नाइट में स्मोक वगैरह लगा देते, यानी कि कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स को, सभी नहीं लेकिन जितना अपन को लिखना होता है 10 15 मार्क के क्वेश्चन में, उतना काम आराम से चलता है अपने टेबल से। एडाफिक में क्या है, लो प्रोडक्टिविटी है मिट्टी की, तो उसमें माइकोराइजा को इनाकुलेट कर दो, फर्टिलाइजर वगैरह ऐड कर दोगे, FYM, आज के टाइम पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है FYM को बहुत ज़्यादा यूज करता है। कुछ लोगों को शायद ना मालूम हो, FYM का मतलब होता है फार्म यार्ड मैन्योर, जो अपना गोबर खाद होता है उसको बोलते हैं। बायोटेक है, जैसे कोई इंसेक्ट पेस्ट है उसका अटैक है, वाइल्ड लाइफ का अटैक है, तो इसका बस यही है कि इंसेक्ट वगैरह कर रहे हैं तो इंसेक्टिसाइड है उनको स्प्रे कर देते हैं, वाइल्ड लाइफ है तो फेंसिंग वगैरह कर दिया जाता है। जहाँ पर भी हम वर्क कर रहे हैं, जो भी एरिया को मैनेज कर रहा है, उसको चारों साइड से फेंसिंग वगैरह कर दी जाएगी। टोपोग्राफी की जो इशू है कि फॉरेस्ट जो है वो बहुत लंबे हैं, डीप पैचेज में है, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे, मैनेज कैसे करें। तो उसका तरीका है कि वहाँ पर रोड की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, जिससे ना केवल फॉरेस्ट गार्ड जो बीट है, बीट ऑफिसर बोल देते हैं, फॉरेस्ट गार्ड है वो पहुँचे, जबकि हायर जो अथॉरिटी है वो भी वहाँ तक पहुँच सके, जिससे उसका प्रॉपरली इंस्पेक्शन किया जा सके। और कुछ टेक्निकल इशू हैं, जैसे कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ भी हो सकता है, ट्री ब्रीडिंग है, ट्री इम्प्रूवमेंट है, टिशू कल्चर है, तो उसको हम कैसे स्किल डेवलपमेंट करना कि कैसे इफेक्टिवली हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये अपने फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या देखा अभी तक कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है, डेफिनेशन वाला, उसके अपने ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, उसके प्रिंसिपल क्या थे, उसकी समस्याएं क्या थी, और उस समस्याओं का समाधान क्या है। ये बेसिक जो चीज़ें थी उसको हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। अब उससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन है, डिफाइन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, डिफाइन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, गिव इट्स ऑब्जेक्टिव, हाउ डज एटीट्यूड ऑफ ओनर पुट इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन को निकालते हैं। डिस्क्राइब द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, व्हाट इज द स्कोप, आपके नोट्स में लिखा गया है तो वहाँ पढ़ लेना। स्कोप का मतलब होता है ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें आप कहाँ कहाँ लगा सकते हो। बहुत सारे एरिया हैं,
प्राइवेट फॉरेस्ट मैनेज कर रह सकते हो वहाँ पर लगा सकते हो प्रिंसिपल को, अर्बन फॉरेस्ट ये दिल्ली में करते हैं आप वहाँ पर लगा सकते हो, या फिर जो डिपार्टमेंट है उनकी कम बखती थोड़ी है, उनके साथ भी इतना बड़ा जो वर्क फोर्स है उसको मैनेज करना होता है, फाइनेंस को मैनेज करना होता है, तो डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पर कर सकते हो, नर्सरी मैनेजमेंट है वहाँ पर कर सकते हो, टिम्बर की मार्केटिंग है वहाँ पर कर सकते हो, यानी कि बहुत सारे एरिया है जहाँ भी इकोनॉमी है जहाँ भी पैसा है वहाँ पर ये, बस जो प्रोडक्ट है वो फॉरेस्ट का होना चाहिए, जहाँ भी लग रहा है वो सब जगह अपन ये प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं, इसका स्कोप वहाँ पर लग जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शन ले डाउन बाय द होबल सुप्रीम कोर्ट ऑन ग्रीन फिलिंग ऑफ फॉरेस्ट। इसका अभी कोई मुद्दा नहीं है, ये उस टाइम पे 2012 के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने, या शायद 13 की स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो आजकल हम लोग जो ग्रीन पेड़ नहीं काट लेते हैं, जैसे कहीं रोड डालना है तो काट देते हैं, तो उन पर बैन लगाया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, अब उसका कोई सेंस नहीं है अपने लिए। अब देख लेते हैं यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन था कि हाउ डज द एटीट्यूड ऑफ ओनर पुट इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि आपके जो स्टडी मटेरियल है उसमें से एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में दिया गया है। अब देखो फॉरेस्ट के ओनरशिप दो टाइप की हो सकती है, एक साइड हो सकता है गवर्नमेंट ओन फॉरेस्ट, जो इंडिया में लगभग 96-97% जो फॉरेस्ट है वो गवर्नमेंट ओन है, तो एक तो फॉरेस्ट हो सकता है गवर्नमेंट के अंडर का जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, दूसरा हो सकता है प्राइवेट, प्राइवेट में कैसा हो सकता है जैसे टाटा कंपनी है, अब इनके कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, सपोज ये इंडस्ट्रियल एरिया है, इसके चारों तरफ ये क्योंकि पॉल्यूशन करता है तो ये चारों साइड में एक बफर जोन बनाते हैं, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट का एक बफर, वेजिटेशन का एक बफर जोन बनाया जाता है जिससे ये इसकी जो इंडस्ट्री का जो पॉल्यूशन है वो बाहर ना निकल सके, तो एक साइड से प्राइवेट हो सकते हैं, कोऑपरेटिव भी हो सकता है, कोऑपरेटिव फॉरेस्ट भी हो सकता है, विलेज फॉरेस्ट या कम्युनिटी फॉरेस्ट भी हो सकता है, यानी कि जो ओनरशिप है वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के पास है, अक्सर हम लोग जैसे नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में जो फॉरेस्ट है वो कम्युनिटी ओन है, आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे नागालैंड की एक इशू, सॉरी मेघालय का एक इशू है, मेघालय में लोगों के पास जैसे कोल माइनिंग होती है उनकी पर्सनल है, क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो उनके खुद की प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है, या गांव की जो पंचायत है वो फॉरेस्ट पूरा उस पंचायत के पास है, जो अपना 6th शेड्यूल में शायद जो भी है उसमें लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए उनकी बात की जा रही है, तो वहाँ जो फॉरेस्ट है वो गवर्नमेंट ना होकर के वो कम्युनिटी ओन है, और भी हो सकती है पब्लिक भी हो जाती है, कम्युनिटी ओन में कुछ और भी कैटेगरीज हैं जहाँ पर लोग एक साथ ग्रुप में आते हैं वो अपने गांव के आसपास कहीं लगा देते हैं, पंजाब में इस टाइप के हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट, तो ये लगभग बेसिक कैटेगरी है जो फॉरेस्ट हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये था कि कैसे ओनरशिप जो है, क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, क्वेश्चन है हाउ डज द एटीट्यूड ऑफ ओनर पुट इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो इस केस में हम बेसिकली दो चीज़ें ले लेते हैं, एक गवर्नमेंट ओन और दूसरा प्राइवेट ओन, ये देखो जो कॉपरेटिव है इसे छोड़ देते हैं जनरली इंडस्ट्रियल को, लेकिन मेजोरिटी में देख लिया जाए अगर प्राइवेट को, तो प्राइवेट का अगर कोई प्राइवेट फॉरेस्ट है अगर प्रोटेक्शन छोड़ दो जो प्रोडक्शन पर्पज के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट के हमेशा दो ऑब्जेक्टिव रहते हैं प्रोटेक्शन और प्रोडक्शन, ये जो है जैसे इंडस्ट्रियल वाले को छोड़ दो क्योंकि ये ज़्यादा मायने नहीं रखता इस चीज़ में, तो ये प्रोटेक्शन छोड़ दो तो जो मेजोरिटी जो प्रोडक्शन है, क्योंकि आज के टाइम पे जो प्राइवेट फॉरेस्ट का जो मेन कॉनोटेशन जो सेंस दिया जाता है वो प्रोडक्शन से ही रिलेटेड है, तो ये जो प्राइवेट जो मेनली इस फॉरेस्ट को मैनेज करेगा इसके मैनेजमेंट का जो पर्पज है वो है कि मार्केट से ज़्यादा टिम्बर को बेचा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा गेन किया जा सके, इसे फर्क नहीं पड़ता सस्टेनेबल यील्ड से, जबकि जो गवर्नमेंट है इसे ये भी देखना होगा कि इसका फॉरेस्ट सस्टेनेबल तरीके से मैनेज हो, इसे ये भी देखना है कि इसमें वाइल्ड लाइफ सही तरीके से रहे, ट्राइबल्स के अधिकारों की वैल्यू देना पड़ेगा, यानी कि इसे फॉरेस्ट जो है वो प्रोटेक्शन और प्रोडक्शन दोनों पर्पज के लिए देखना पड़ेगा,
लेकिन ये जो है प्राइवेट वाले, ये बेसिकली प्रोडक्शन पर्पज देखेंगे, प्रोटेक्शन को एक लिमिट से ज़्यादा नहीं जाएंगे। यानी कि जो नॉन टेंजिबल वैल्यूज़ हैं या नॉन टेंजिबल बेनिफिट्स हैं, जैसे कि CO2 O2 बैलेंस, प्राइवेट वाले भाई CO2 O2 के चक्कर में नहीं पड़ता है। उसका पर्पज़ है कि पेड़ खड़े हुए हैं, सपोज उसे अगली साल बेचना था लेकिन इस साल मार्केट में रेट अच्छे हैं, तो वो इसी साल काट करके बेच देगा। वो टाइम पीरियड जब भी उसे इनकम ज़्यादा हो रही होगी वो उसे बेच देगा। जबकि गवर्नमेंट के साथ क्या है, मार्केट में चाहे रेट कम हो या ज़्यादा, ये ब्लॉक है या बीट जो है, इसकी लकड़ी जो है वो 2020 में कटेगी तो वो 20 में ही कटेगी, अगर 22 में कटनी है तो वो 22 में ही कटेगी, मार्केट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ ये सारी चीज़ें हैं जो एक एस्पेक्ट में मोटे तौर पे ही फ़र्क दे देती हैं। उम्मीद है इतनी में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। रिमेनिंग क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में जो सॉल्यूशन उसे पढ़ लोगे तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ तक फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो बेसिक चीज़ें थी वो तो हो गई। अब आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसका ऑर्गेनाइजेशन देख लेना चाहिए, या जो अपने फॉरेस्ट हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, कैसे वो फंक्शन करते हैं, उन्हें समझ लेते हैं। फॉरेस्ट का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली हम तीन एस्पेक्ट लेके चलेंगे, जैसे कि एक होता है टेरिटोरियल, दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेशन को, और तीसरा मैनेजमेंट को। टेरिटोरियल मतलब इसे आप टेरिटोरियल और एडमिनिस्ट्रेशन में अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, थोड़ा एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, टेरिटोरियल समझ लो, जैसे आपका अगर विलेज लेवल पे देखो तो हम बोलते हैं कि हमारा जो देश है वो गांव का देश है। गांव लगभग 6.5 लाख के आसपास गांव विलेजेस जो है उन्हीं का देश है। तो आपकी टेरिटोरियल यूनिट क्या है, विलेज। ठीक है, विलेज, कुछ विलेज मिल करके, मतलब विलेज यानी कि एक पंचायत, ये कुछ पंचायतें मिल करके एक बनाती हैं ब्लॉक। तो आपके यहाँ जो गवर्नेंस होती है वो एक्चुअल में ब्लॉक लेवल से चलती है पूरा, क्योंकि जो SDM वगैरह भी बैठते हैं वो लगभग ब्लॉक लेवल पे होते हैं। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये विलेज यानी कि पंचायतें हैं, उनके ऊपर ब्लॉक है, और कुछ ब्लॉक के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट है। ये डिस्ट्रिक्ट पे आपका कलेक्टर हो गया, या जो भी है आपका DM है वो हो गया। ये जो सिस्टम है ये है एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन पुलिस का नहीं है। पुलिस के अपने सिस्टम चलेंगे। आपका ऐसा भी हो सकता है कि दो तहसील हैं, आपकी तहसील ये लगती होगी लेकिन थाना आपका ये लग रहा होगा, इसी तहसील पे थाना होगा वो लग रहा होगा, क्योंकि पुलिस का जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उनके अपने सिस्टम के हिसाब से होते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला होता है उसका अपना सिस्टम होता है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, बस ओवरलैपिंग है तो समझने में थोड़ी दिक्कत देती है। उसी हिसाब से यहाँ टेरिटोरियल और एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़े फ़र्क रहेंगे, कन्फ्यूजन ना हो तो जो ग्राउंड रियलिटी है उसे भी पिक्चर फॉर्म में लेके चलेंगे, लेकिन समझते हो। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे अपना एडमिनिस्ट्रेशन को, फॉरेस्ट ये इसलिए क्योंकि ये सबसे पहले यही समझ में आता है सीधा सीधा। एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है तो अपने यहाँ दो टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन है, एक तो है सेंटर का, फिर आती है उसके नीचे स्टेट का। अब सेंटर में सबसे ऊपर कौन होता है, आपकी मिनिस्ट्री। देखो इसको चीज को थोड़ा समझ लेते हैं, वैसे पॉसिबल है कि आपने GS के पेपर में पढ़ा होगा। सेंट्रल लेवल पे होती है एक मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री में बेसिकली तीन बेसिक पिलर होते हैं। ये होता है आपका मिनिस्टर, मिनिस्टर जैसे कि फॉरेस्ट मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, कोई भी मिनिस्टर हो, ये वो है जो इलेक्टेड हेड है। अब आपको डिपार्टमेंट को काम करना है तो यहाँ पर ये जो नीचे ये डिपार्टमेंट है, यानी कि सपोज ये फॉरेस्ट्री का मिनिस्टर है, MOEFCC, ये फॉरेस्ट्री का मिनिस्टर है। तो ये मिनिस्ट्री में मिनिस्टर के नीचे दो और पिलर होंगे। एक होगा ये जो पूरी फॉरेस्ट सर्विस है, ये पूरा जो डिपार्टमेंट है नीचे, पूरे इस डिपार्टमेंट का एक हेड कर रहा होगा, इसको बोलते हैं IGF। अब इसे बोला जाता है DGF, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्री या इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्री। ये पूरे सर्विस को यही हैंडल करता है, पॉलिटिकली ये देखता है, एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखता है।
ये आता तो इसी के नीचे है, लेकिन ये अपने डिपार्टमेंट के काम में इतना बिजी होता है कि अगर इससे बोल दिया जाए कि यार फॉरेस्ट मिनिस्ट्री में थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं, डिपार्टमेंट की सैलरी प्रॉपरली नहीं आ पा रही है, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जा कर के कुछ सैलरी निकलवा ले आओ, तो ये अगर उधर जाएगा तो ये डिपार्टमेंट कौन देखेगा। तो कई बार क्या है, मैं कोई फॉरेस्ट पॉलिसी पे काम कर रहा है, इसके पास टाइम नहीं होता, इसके पास एक्सपीरियंस है लेकिन टाइम नहीं है। तो यहाँ पर एक तीसरा पर्सन होता है जिसे बोला जाता है सेक्रेटरी। ये एक टाइप से खाली आदमी है कंपेयर टू इसके, ये इन दोनों के बीच की कड़ी, यानी कि ये जो है डीजीएफ के ऊपर सेक्रेटरी से होकर मिनिस्टर की तरफ रास्ता जाता है, इसके और मिनिस्टर के बीच में ये सेक्रेटरी बैठा होता है, ये खाली आदमी है। अगर इन्हें इनकी सैलरी निकल पानी है तो ये फाइनेंस में ये जा सकता है, ये नहीं जाएगा, ये काम पकाए के जो चीज़ें हैं एक मिनिस्ट्री के दूसरे मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेशन वो वगैरह ये सेक्रेटरी कर लेता है। तो ये सेंटर की जो तीन पिलर हैं, उम्मीद है इतने में ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत है नहीं, ये तीन चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, इससे मिलकर बनती है कोई अपनी एक मिनिस्ट्री। अब ये है क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो बहुत बड़ा फैला होता है, डिपार्टमेंट फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट का मतलब ये नहीं कि फॉरेस्ट्री में केवल एक ही चीज़ है, डिपार्टमेंट एक कॉमन फ्रेमवर्क है, उसके अंदर बहुत भाई परिवार है, बहुत बड़ी फैमिली है, चाचा ताऊ बुआ फूफा सब के सब अपने अपने परिवार है, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बहुत सारी विंग्स हैं। जैसे एक है वर्किंग प्लान की अपनी विंग चलती है, टेरिटोरियल जो अपन मेन एडमिनिस्ट्रेशन समझते हैं वो होता है टेरिटोरियल, वर्किंग प्लान की अलग है, वाइल्ड लाइफ की विंग अलग चल रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अपनी विंग है, तो ऐसे अलग अलग उनके हो जाते हैं। एक इंटरनेशनल कॉपरेशन करना है, जो बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सबमिट होते हैं उनके इम्प्लीमेंट करना, उनकी अपनी विंग चलती है, तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी डिवीजन हो जाते हैं। तो फिर इनके नीचे जैसे डीजीएफ हो गया, पहले एक टाइम पे आईजीएफ हुआ करता था, लेकिन आईजीएफ के बाद भी अब कुछ ऊपर वर्कलोड बहुत बढ़ गया तो डीजीएफ की पोस्ट क्रिएट कर दी गई। तो डीजीएफ के नीचे कुछ एडिशनल डीजीएफ होंगे, डायरेक्टर जनरल, उसके बाद नीचे होता है आईजीएफ, आईजीएफ या डायरेक्टर पोस्ट, ऐसी इस टाइप से चलती जाएंगी। ये जो आईजीएफ या डायरेक्टर है वो इसके अंदर कुछ अलग आएंगे, इसके अंदर अलग आएंगे, इसके अंदर अलग आएंगे, जैसे कि ये वाइल्ड लाइफ विंग है, ये एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन है, यानी कि फॉरेस्ट शायद कुछ होगा जो भी एफसी फुल फॉर्म नहीं मालूम इसका। तो इस टाइप से इनकी अपनी अपनी विंग चलती रहेगी, बेसिक समझ लो कि ये सेंटर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस टाइप से होता है। इसके बाद आता है अपना स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट में भी इसी टाइप से मिनिस्ट्री ना होकर वहाँ डिपार्टमेंट होगा। डिपार्टमेंट में सबसे पहले ऊपर जो रहेगा वो होता है सीसीएफ, कौन सीसीएफ, लेकिन बहुत सारे स्टेट जो बड़े हैं उन बड़े में ये सीसीएफ के नीचे, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम हो जाता है सीसीएफ तक आते आते बहुत सारी बिंगे, तो ये हैंडल नहीं कर पाता, तो इसके ऊपर की भी एक पोस्ट है उसे बोलते हैं पीसीसीएफ। तो यूजुअली मेजोरिटी जो स्टेट है छोटे स्टेटों में सीसीएफ हेड करेगा, अदरवाइज सबसे ऊपर बैठा होगा पीसीसीएफ, फिर उसके नीचे आएगा सीसीएफ, फिर उसके ऊपर आएगा सीएफ, ये एक सर्कल लेवल पे होता है। सी एफ के नीचे आएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो है अपना डी एफ ओ, ये डिस्ट्रिक्ट ना होकर डिवीजन रहेगा, यानी कि डिवीजन डिस्ट्रिक्ट की बात हो गई, लेकिन ये एक्चुअल में जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनके कंपेयर में फॉरेस्ट के डिस्ट्रिक्ट अलग भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिमिलर हो, लेकिन ऑलमोस्ट कॉमन सेंस के लिए जो आसानी के लिए लगभग एक से ही होते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा फिर अपना सब डिवीज़न, तो यहाँ पर तो अपना ए सी एफ, इसको जैसे उत्तराखंड है वहाँ पर बोल दिया जाता है एस डी ओ सब डिविजनल ऑफिसर, तो ये अपना हो गया ए सी एफ। ए सी एफ के नीचे आएगा अपना रेंजर, रेंजर के नीचे आएगा डेपुटी रेंजर या सब रेंजर, आर एफ ओ या रेंजर, उसके नीचे सब रेंजर या डेपुटी रेंजर, उसे फॉरेस्टर भी बोल देते हैं, और उसके नीचे आता है फॉरेस्ट गार्ड जिसे बोलते हैं बीट ऑफिसर, एक फॉरेस्ट गार्ड को एक बीट पकड़ा दी जाती है। तो इस टाइप से ऊपर से लेकर नीचे तक का एडमिनिस्ट्रेशन रहा, ये टेरिटोरियल का है,
इसकी जो अलग अलग विंग है, जैसे वर्किंग प्लान का विंग है वो जनरली रेंजर या ACFC ऊपर जाता है और ये लगभग CCF तक जाता है। वाइल्ड लाइफ की विंग अपनी है। तो इस टाइप से उनके हर एक के अपने अपने फ्रेमवर्क है। मैं जस्ट टेरिटोरियल का समझना था, इतने में अपना काम हो जाता है। तो ये तो रहा अपना एडमिनिस्ट्रेशन का, ये वाला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर जो हमने स्टार्ट किया था, जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है इसे समझा लिया कि किस टाइप से इनका ऑर्गेनाइजेशन है। अब समझेंगे टेरिटोरियल। टेरिटोरियल टेरिटरी मतलब जमीन, एडमिनिस्ट्रेशन ने जमीन टेरिटोरियल। अब उसमें कैसे शुरू होगा, उसमें बेसिकली चलता है ब्लॉक कंपार्टमेंट और सब कंपार्टमेंट। ये बिल्कुल वही चलेगा जैसे कि हम बोलते हैं हमारा देश जो है वो गांव का देश है, यानी कि गांव जो है आपका जो गांव है या जो पंचायत है वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक बन गई। बस ऐसा समझ लो कि आपका जो गांव है वो एक ब्लॉक है। अब गांव के पास बहुत बड़ी ज़मीन होती है, तो ये जो ब्लॉक है गांव का क्या नाम होगा, आपके गांव का नाम है आसकापुरा, जस्ट एग्जाम्पल के लिए गोपालपुरा रामपुरा जो भी है वाट एवर, एक पर्टिकुलर आपके विलेज का नाम होगा। तो उसी टाइप से ये जो ब्लॉक होता है इसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, कौन सा ब्लॉक है वो एक नाम हो गया। तो इसे बोलते हैं टेरिटोरियल डिवीजन। मेन टेरिटोरियल डिवीजन जो है वो यही होता है। अब आप समझ सकते हो कि जो स्टैंडर्ड गांव है वो बहुत बड़ा होगा, उनके पास सपोज 500 हेक्टर या 1000 हेक्टर के एरिया, मतलब बड़ा होता है ब्लॉक जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। लगभग एक ब्लॉक के अंदर 5-6 कंपार्टमेंट कम से कम आ जाते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, 20-20-30 तक कंपार्टमेंट भी हो सकते हैं। तो ऐसे ब्लॉक जो है वो डिवाइड होता है कंपार्टमेंट में। अब जो कंपार्टमेंट है उनके नाम नहीं होते, उनको दिया जाता है नंबर, जैसे 620, 625, 512 जो भी है, काउंटिंग से रहेंगे 1, 2, 3, 4, तो वो इस तरह से 600, 700, 1000 तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ब्लॉक जो है उसके डिवाइड करते हैं हम कंपार्टमेंट में, इसे बाद में देखते हैं। पहले समझते हैं कि जो ब्लॉक है वो होगा क्या। ब्लॉक मतलब जैसे आपके पास पंचायत वाला जो एरिया रहेगा, ये पूरा जो एरिया है ये है आपका ब्लॉक। अब जब ये ब्लॉक बनाया जाता है तो ब्लॉक की जो बाउंड्री है उसे क्लियरली, भाई मेन टेरिटोरियल डिवीजन है यानी कि टेरिटरी इसी से शुरू होती है। जैसे देश गांव, पूरा देश जो है वो गांव का देश है, यानी कि विलेज जो है वो उसकी यूनिट है, वैसे ये ब्लॉक है वो पूरे फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट चलती है ब्लॉक टेरिटोरियल में। तो ये जो ब्लॉक है इसकी जो बाउंड्री है उस पर मार्किंग करेंगे और कुछ पिलर बना देते हैं, या कुछ पिलर लगाते हैं वाइट सीमेंट के, उन्हें देखेंगे मनोर बोलते हैं, मनोरो मनोरा या मनोरा कुछ MP में जो है वो इसी टाइम को यूज करते हैं। स्टेट के हिसाब से मे भी इनके नाम चेंज हो सकते हैं। तो ये जो आपका जो भी ब्लॉक है, जनरली जब हम इस ब्लॉक को डिजाइन करते हैं यानी कि ब्लॉक जब बनाते हैं तो इस हिसाब से देखते हैं कि अगर कोई नेचुरल बाउंड्रीज मिल गई, सपोज यहाँ कोई नदी जा रही थी, रिवर जा रही थी, तो फिर करते हैं कि अच्छा एक काम कर देते हैं कि ये बाउंड्री को हम यूज कर लेते हैं, ये एक ब्लॉक हो गया और इधर से दूसरा ब्लॉक हो गया। तो इस टाइप से जो अपनी नेचुरल बाउंड्रीज हैं उन्हें भी यूज कर लेते हैं एज ए ब्लॉक की बाउंड्री, या फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी पट्टी सी साफ कर देते हैं, मतलब बड़ा सा पट्टा सा बना देते हैं, यानी कि वहाँ की वेजिटेशन साफ कर देते हैं, जिससे ये ब्लॉक को समझा जा सके कि हाँ ये पूरा एक ब्लॉक है, और उसकी जो बाउंड्री है वहाँ पर कुछ लगाएंगे पिलर, पिलर बना देते हैं। आगे जा करके पिलर भी दिखाएंगे किस टाइप की, जिन्हें मनोरा या मनोरो जो भी बोलते हैं वो पिलर कैसे होते हैं। इस टाइप से ये पूरा एक बन गया अपना ब्लॉक। इस ब्लॉक का नाम होगा जैसे इसे बोल दिया समस्तीपुर ब्लॉक। अब इस ब्लॉक को मैनेज करना ये छोटा मोटा थोड़ी ही है, मान के चलो 8000 या 10000 हेक्टर का एरिया है, पूरे को आसानी से मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर इस ब्लॉक को क्या करेंगे, हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसे ध्यान से समझे, यहाँ थोड़ा दिक्कत आ सकती है बाद में। इसको छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड करेंगे,
इस ब्लॉक को, जिससे हम इसे मैनेज कर सकें। ये हमने बना दिए, चलो ले लो, पूरे को ही लगभग कवर हो चुका हमने। तो इस ब्लॉक को छोटे छोटे कंपार्टमेंट में बांट दिया। इस कंपार्टमेंट को सपोज नाम दे दिया एक, इसे दो, तीन, चार, पाँच, और भी दे देना, नंबर की अभी ज़रूरत नहीं है, बेसिक समझ में आना चाहिए। ब्लॉक का पर्टिकुलर नाम होता है, उसकी बिल्कुल डिस्टिंक्ट बाउंड्री होगी, पिलर लगाए जाएंगे या नेचुरल बाउंड्री को यूज करके उसकी बाउंड्री बनाई जाएगी। इस ब्लॉक को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे कंपार्टमेंट में। जनरली कंपार्टमेंट है वो 100 से 500 हेक्टर के आसपास का एरिया हो सकता है। ये जो कंपार्टमेंट में बांटा है इसको नंबर देते हैं कंपार्टमेंट का, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से। अब अगर सपोज ये एक कंपार्टमेंट है, इस एक कंपार्टमेंट भी बहुत बड़ा है, सपोज ये 100 हेक्टर का एरिया है और कोई बीच में पहाड़ी पड़ गई यहाँ पर, तो ऑब्वियसली पहाड़ी को अलग तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं वैली है उसे अलग तरीके से मैनेज करने की पड़ेगी, क्योंकि एरिया अलग अलग है, सभी को एक ही साइज के ट्रीटमेंट नहीं दिए जा सकते। तो फिर उस केस में ये जो अपना कंपार्टमेंट है इसे सब कंपार्टमेंट में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे सपोज इसको मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूँ, चलो तीन में कर देते हैं। तो इसका नाम कैसे होगा, ये होगा इसे देते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो ये क्या होगा, ये होगा 1A 1B 1C। तो ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गया होगा कि ब्लॉक, कंपार्टमेंट और सब कंपार्टमेंट कैसे काम करते हैं। पहले इसको समझते हैं, इसके बाद फिर कुछ चीज़ें जो आगे करेंगे उन्हें देखेंगे। तो ब्लॉक अपनी मैन टेरिटोरियल डिवीज़न है, कंपार्टमेंट उसका छोटा सा पार्ट है, और सब कंपार्टमेंट बिल्कुल सेल्विकल्चरल जो ऑपरेशन करना होते हैं उस लेवल पे जाते हैं। अब थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं जो मैप है इसका। जैसे ये एक मैप है, ये एक्चुअल में एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक बहुत बड़ा है, उसका एक छोटा सा एक पार्ट है जो इसमें एक जो फॉरेस्ट गार्ड है उसका जो उसे बीट दी गई है उसका है। तो ये पीछे आगे जा कर के बहुत बड़ा पूरा एक ब्लॉक, फर्स्ट थिंग। अब आपको इसमें दिख रही होगी ब्लॉक की बाउंड्री, इसे ले लेते हैं यहाँ से, ये है ब्लॉक की बाउंड्री, ठीक है, जो भी गया पीपीटी में एक बार ध्यान से देख लेना इसे। अब ये जो ब्लॉक की बाउंड्री बन गई, इस ब्लॉक को छोटे छोटे किस्में बांटा गया है कंपार्टमेंट में। जैसे ये कंपार्टमेंट की बाउंड्री है, ये दूसरा कंपार्टमेंट रहा, तीसरा कंपार्टमेंट रहा, ये 627 नंबर का कंपार्टमेंट है, ये 626 नंबर का है, ये 625 है, ये 608 है, ये 606 है, 605, 604 है। यानी कि अपने ब्लॉक को कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, और फिर इनमें सब कंपार्टमेंट भी इनके होंगे, देखेंगे उन्हें। अब मुद्दा ये आता है, ये क्या डिवीजन है, ये तो है टेरिटोरियल, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से जो लोएस्ट ऑफिसर है वो कौन है, फॉरेस्ट गार्ड, और उसके अंदर होना चाहिए बीट। और यहाँ पर ब्लॉक कंपार्टमेंट की बात चल रही है, सब कंपार्टमेंट चल रहे हैं, तो ये बात उससे कैसे मैच होगी। देखो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अब जैसे यहाँ पर जो ऑफिसर है या फॉरेस्ट गार्ड जो है उसके पास क्या है, ये उसका नक्शा है, उसकी जो बीट है वो यहाँ से लेकर के ये उसकी बीट का नक्शा है। ये उसकी बीट है, उसकी बीट में जो 625 नंबर का जो कंपार्टमेंट है वो पूरा आ रहा है, 26 पूरा आ रहा है, 6 पूरा आ रहा है, लेकिन जो 5 है 605 वो आधा आ रहा है, 608 का भी कुछ हिस्सा बाहर चला गया है, ये इधर 608 भी पूरा नहीं है, 605 भी पूरा नहीं है। तो ये जो एरिया है जिसे बोल दिया गया है ये बीट है, क्योंकि बीट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से है, या बोलो कि ये वो एरिया है जिसे फॉरेस्ट गार्ड को मैनेज करना है।
तो कंपार्टमेंट का जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक हो गया, उसके जो कंपार्टमेंट है वो अपना सिस्टम है, वो टेरिटोरियल है। एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से जो एक फॉरेस्ट गार्ड है उसको इतने वाले एरिया को ही मैनेज करना था, रिमेनिंग से उसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास जो ब्लॉक था कुछ आधे कंपार्टमेंट उसको आ जाए, आधे किसी दूसरे फॉरेस्ट गार्ड के बीच में चले जाए, या फिर इस ब्लॉक में है कुछ दूसरे ब्लॉक का भी पार्ट आ जाए, जैसा भी हो। लेकिन दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। उम्मीद है इतने में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अक्सर इन्हीं में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अब इसमें ये देख लेते हैं कि जो इसकी बाउंड्री थी, जैसे ये मैंने बोला था कि ब्लॉक जो होता है, पूरा जो ब्लॉक था अपना, जैसे कि यहाँ पर ये बताया गया था कि ब्लॉक की जो बाउंड्री है वहाँ पर अपन कुछ पिलर लगाएंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, जैसे कि ये बाउंड्री जो चल रही थी, ये वाली जो बाउंड्री यहाँ पर, इसको इस एरिया को यहाँ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसे और यहाँ बड़ा कर। ये जो मोहासा है, एमपी का ये नक्शा ही है, जो अपना सागर के आसपास का एरिया है। अब वहाँ पर यहाँ जैसे अगर आप पीपीटी में देखेंगे तो यहाँ लिखा है 145, 150, 14, 135, 140, यानी कि 135, 140, 45, 50, ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये क्या है? ये है वो पिलर, इन्हें बोलते हैं ये मुनारा। ये अपना जो ब्लॉक होता है, ये जो ब्लॉक के टाइम पे जो पिलर बना रहे थे ब्लॉक की बाउंड्री पे, ये वो है। आप इसके आसपास देख सकते हो कि ग्रासेस हैं, यानी कि इस एरिया को उन्होंने वो पट्टी सी पूरा एक रोड सा बिल्कुल चौड़ा काट दिया होगा, जिससे एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से आराम से सेपरेट हो जाए। मुनादा ये उनके अलग अलग स्टेट में मे बी नाम डिफरेंट हो सकते हैं, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट एक एवरेज जो चीज़ है वो आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी कि ये अपना जो ब्लॉक है वो किस टाइप से काम कर रहा है। अब यहाँ पर आपने दो चीज़ें समझ ली, एक एडमिनिस्ट्रेशन का डिवीजन समझ लिया कि कैसे चलता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दूसरा आपने जो टेरिटोरियल जो एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन है उसे समझ लिया। अब तीसरा मुद्दा आता है मैनेजमेंट, यानी कि सिल्वीकल्चर के हिसाब से, कि जब हम सिल्वीकल्चरल ट्रीटमेंट देते हैं तो वो किस हिसाब से देंगे, क्योंकि देखो ट्रीटमेंट है वो वेजिटेशन के हिसाब से देना होता है। वेजिटेशन है वो इस हिसाब से थोड़ी ग्रो करती है कि भाई मैं इसके ब्लॉक में हूँ, मैं केवल टीक ही ब्लॉक में ग्रो करेगी, साल वाले हैं तुम उधर जाओ दूसरे ब्लॉक में उगना, इस घर में इंटर नहीं करने का, तो वो वेजिटेशन इस हिसाब से तो काम नहीं करेगी, उसके फिर अपने एस्पेक्ट हैं। तो जो सिल्वीकल्चरल या मैनेजमेंट का जो अपना क्लासिफिकेशन रहेगा वो उसी के हिसाब से रहेगा। अब ये कैसे करेंगे? सबसे पहले आता है अपना वर्किंग प्लान। देखो वर्किंग प्लान को आगे डिटेल करेंगे, डिटेल में डिस्कशन पूरा वही चलेगा। फॉरेस्ट छोटा मोटा रिसोर्सेस नहीं है, बहुत बड़ा रिसोर्सेस है। इतने बड़े रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए कोई एक सिस्टमेटिक वे में प्लान होना चाहिए। प्लान क्यों ज़रूरी है? सपोज़ मैं आज किसी एरिया का या डीएफओ हूँ किसी एरिया पे, डिवीजन लेवल पे मैं उसे मैनेज कर रहा था, 2 साल मैंने मैनेज किया, मेरा ट्रांसफ़र हो जाता है, मैं क्या करना चाहता था नए वाले डीएफओ को कौन बताएगा? उसे समझने में टाइम लगेगा। हो सकता है चलो चलो मैं उसे फ़ोन पे बता देता हूँ, मान लेता हूँ कि मैंने 3 साल मैनेज किया, गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए उसमें लगा दिए मैनेजमेंट में, मैं जंगल में घूम रहा था, एलिफेंट या टाइगर मिल गया और उसने सीधा कल्याण कर दिया, तो फिर मैं जो करोड़ों रुपए फंसाए उसका होगा क्या? तो एक रिटर्न स्कीम होती है जिसमें कि फॉरेस्ट है उसे अगले 15 साल में 20 साल में कहाँ लेके जाना है हमें, वो पूरा एक सिस्टमेटिक वे में चलता है, जिसे बोलते हैं वर्किंग प्लान। वो बनता है डिवीजन लेवल पे, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो हम कोई भी ट्रीटमेंट है वो ऐसा तो थोड़ी कर सकते हैं कि पूरे जिले को एक साथ कोई एक ही सिल्वीकल्चर ट्रीटमेंट देंगे। तो करते क्या है कि जो भी अपने पास सपोज एक वर्किंग प्लान है या एक एरिया है जिसमें हमें ये काम करना है, उसे छोटे छोटे सब एरिया में डिवाइड कर लेंगे। जैसे ब्लॉक को कंपार्टमेंट में डिवाइड किया था, वैसे हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को छोटे छोटे से सर्कल में डिवाइड करते हैं, इन्हें बोलते हैं वर्किंग सर्कल। ये ओवरलैप भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसे भी फिजिक्स पढ़नी है, इसे भी फिजिक्स पढ़नी है, और इसे केमिस्ट्री पढ़नी है, और इसे भी केमिस्ट्री पढ़नी है, तो जब केमिस्ट्री वाला टीचर आएगा तो वो दोनों को बैठा के पढ़ा देगा, फिजिक्स वाला आएगा तब इन दोनों को पढ़ा बैठा कर पढ़ा देगा, क्योंकि यहाँ आप सिल्वीकल्चरल ट्रीटमेंट दे रहे हो।
तो कई बार ऐसा होता है कि आपको एक ट्रीटमेंट, चार टाइप के ट्रीटमेंट, इसे 3 देने हैं, इसे दूसरे 3 देने, इसे लगभग दोनों ही देने, कॉमन से है। तो इस टाइप से वर्किंग सर्कल जो है वो कई बार ओवरलैपिंग हो भी सकते हैं और नहीं। तो पहली बात तो यह है कि अपना जो भी काम चलेगा वो एक वर्किंग सर्कल में चलेगा। जो भी आपको सिल्विकल्चरल ट्रीटमेंट देने हैं वो एक छोटे एरिया को देने होंगे। ये एक वर्किंग सर्कल जो है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, जिससे थोड़ा आसानी से चीज़ों और समझ में आए, आपके पास कोई एक डिस्ट्रिक्ट रहता है, दंतेवाड़ा में पहुंच गए छत्तीसगढ़ में। अब आपको सिल्विकल्चर ट्रीटमेंट देना है तो पूरे को नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, इसे कुछ ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दोगे। ये हो गया आपके वर्किंग सर्कल, ये हो गया वर्किंग सर्कल, ये वाला हिस्सा। तो आपको जो देना है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन करना है या पूरा रिसर्च जो करना है, वो केवल इसी पे करोगे, अभी पूरे में बकैत ही नहीं करोगे। जो भी ट्रीटमेंट देना है वो इसी को करोगे। अब ये जो वर्किंग सर्कल है, ये भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही चल रहा होगा। इसमें भी सपोज पेड़ की कटाई को, चलो सपोज इसको मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ, ये वर्किंग एक गोल बना लेते हैं। अब इसमें पेड़ों की कटाई का काम हो रहा है, सपोज एक सिल्विकल्चरल ऑपरेशन है, फिलिंग कर रहे हो, या टेंडिंग ऑपरेशन चल रहा है आपका। तो वो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर आप एक बार में शुरू करोगे और पूरा इस टाइप से, मतलब क्लीन करते जा रहे हो, एक साइड से इस टाइप से काटते चले जा रहे हो, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो आपके पास तरीका क्या है कि आप एक काम करोगे, इसके कुछ बैंड से बना लोगे, जैसे मैं एक पिक्चर यहाँ बना लेता हूँ। आप इसमें क्या करोगे, कुछ बैंड से बना लोगे, और जो भी ऑपरेशन करना है पहले एक बैंड सेलेक्ट करोगे और उसे इधर से इधर कंप्लीट करोगे, फिर दूसरा बैंड लोगे उसे कंप्लीट करोगे, तीसरा लोगे तीसरे करोगे। अगर हम इसे लकड़ी के काटने का काम कर रहे हैं, यानी कि फिलिंग का काम कर रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे फिलिंग सीरीज। तो यह तीसरा जो टर्म है इसे समझते हैं। तो वर्किंग जो प्लान है वो बटा होता है वर्किंग सर्कल में, और वर्किंग सर्कल बटा होता है फिलिंग सीरीज में। फिलिंग सीरीज को एक बार और देखते हैं। तो ये कैसे काम करती है फिलिंग सीरीज, जैसे आपका ये खेत है फार्म में, इस टाइप से जो ट्रैक्टर चल रहा है, ये चल रही है फिलिंग सीरीज। एक साइड से जो भी ऑपरेशन चल रहा है आपका, वो फिलिंग सीरीज का इस टाइप से चलता रहेगा आपका। अब इसमें भी क्या होता है कि ये एरिया जो है वो छोटा मोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा एरिया है। जैसे कि आप यहाँ से यहाँ तक अगर लकड़ी कटाई का ही काम कर रहे हो, तो ये ऐसा नहीं है कि एक सीरीज एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए। यहाँ से काटना शुरू करते हो, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको 2 महीने लग सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इस पूरे एरिया को पर डे के हिसाब से डिवाइड कर लो। अगर बड़ा फॉरेस्ट है, मतलब बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो उसे एक साल के हिसाब से भी बांट सकते हैं कि हमें कटाई का काम करना है, तो हम इसे एक ईयर में इसे काटेंगे, अगली साल इसे काटेंगे, अगली साल इसे काटेंगे। यहाँ से यहाँ तक सपोज 10 साल की क्रॉप है, तो 10 साल तक यहाँ पहुँचेंगे, 11वें साल फिर हम इसे काट देंगे, क्योंकि 11वें साल में ये 10 साल जिस खाली मिलेंगे, उसमें जो क्रॉप आज प्लांटेशन करेंगे वो फिर 10 साल की उसी लेवल पर पहुँच जाएगी, ये काटी जा सके। तो इस टाइप से इनका एक सीरीज चलती रही, इसे बोलते हैं फिलिंग सीरीज। और ये जो एरिया हुआ, इसे क्या बोलेंगे, कूप, एनुअल कूप, जैसे हर साल काटना है, एक साल का एक एनुअल कूप। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, कई बार जैसे अपनी जो भी फिलिंग सीरीज चल रही है कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा चल रहा है, कुछ ऐसे एरिया हो सकते हैं जैसे कि हिमालय वाले एरिया हैं, जहाँ पर ये जो अपना चल रहा है फिलिंग जो सीरीज चल रही है, कई बार अगर हम ऐसे ही सीधे सीधे करते जाएं तो बीच में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। दिक्कत इन द सेंस, ये सपोज बहुत बड़ा एरिया है, बीच में फ्लडिंग की समस्या है, फ्रॉस्ट पाला पड़ जाता है, आप क्या कर रहे हो, आपने यहाँ की काटी, फिर यहाँ करते गए करते गए करते गए, तो यहाँ की जो स्टार्टिंग की वेजिटेशन जो 2-3 साल की है, उसे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, और फिर ये इन्हें है, यानी कि इन्हें स्टार्टिंग में कोई प्रोटेक्शन मेजर्स नहीं मिल पा रहा है। जैसे हम लोगों ने फॉरेस्ट सिल्विकल्चर सिस्टम में पढ़ा होगा, क्लियर फिलिंग के बाद शेल्टर बोर्ड पे इसीलिए तो आए हम लोग, तो यहाँ कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। ये एरिया प्रोन हो सकता है सॉइल इरोजन के लिए, फ्रॉस्ट का इशू हो सकता है जिससे रिजनरेशन प्रॉपरली ना हो पाए,
तो फिर उसका एक काम कर लेते हैं, या फिर जैसे जो यूरोप वगैरह वहाँ कोल्ड विंड आ जाती है, तो फिर उसका एक रास्ता निकाला गया कि एक काम करते हैं कि देखो ये जो है 10 पार्ट में तो हमें काटना है, तो इसका क्यों ना एक काम किया जाए, इसकी हम 2 सेक्शन बना रहे हैं, 5 इसके 5 इसके। वैसे पहले क्या काट रहे थे कि पहले इसे काटेंगे, फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा सातवां आठवां नौवां दसवां, यानी कि गोलियों को एक साइड से खा रहे थे। अब हम क्या करेंगे, पहली साल हम इसे खाएंगे, दूसरी साल इसे काटेंगे, तीसरी साल इसे, चौथी इसे, पांचवी इसे, छठवीं इसे, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं। कट गया पूरे 10 साल में, लेकिन ये 2 पार्ट में रहा, तो जो ये है इसको प्रोटेक्शन ज़्यादा रहा कंपेयर टू पहले के। अगर हमें और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो हम 2 ना करके इसके 4 सेक्शन कर लेंगे, तो इसे और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो इस टाइप से जब हम करते हैं उसे बोलते हैं कटिंग सेक्शन। कटिंग सेक्शन यानी कि जो अपनी सीरीज है उसको और सब पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइडेड है ये, चार कटिंग सेक्शन में है। पहला इसे काटा, दूसरा इसे, तीसरा इसे, चौथा इसे। 16 साल की क्रॉप है तो इस टाइप से काटी गई कि ये दूसरी साल को, इधर 13 साल का प्रोटेक्शन है, 13 साल वाली क्रॉप है, इधर 16 साल वाली, 6 साल वाली, तो इसे कंटिन्यू प्रोटेक्शन मिलता रहा। तो इस टाइप से हम लोग उसे डिवाइड कर लेते हैं कटिंग सेक्शन में। यहाँ पर उम्मीद है आपको जो अपना तीसरा वाला जो पार्ट था वो समझ में आ गया होगा, यानी कि जो फॉरेस्ट का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो समझ में आ गया होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का कैसे चलता है, टेरिटोरियल कैसे चलता है, और जो सिल्वीकल्चरल के हिसाब से हम जो फॉरेस्ट को डिवाइड करते हैं वो कैसे करते हैं, जो अपना वर्किंग सर्कल है, उसके बाद फिलिंग सीरीज आती है, फिर अपने कटिंग सेक्शन भी हैं और एनुअल कूप है, ये सारी चीज़ें इसमें हो गई। और टेरिटोरियल में क्या किया था, उसमें किया था ब्लॉक कंपार्टमेंट और सब कंपार्टमेंट, और जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें देखे थे तो सेंटर का अपना था और स्टेट का अपना। स्टेट में था PCCF, CCF, CF, ये सब टेरिटोरियल के थे। नीचे लास्ट में था अपना बीट वाला, बीट जो फॉरेस्ट गार्ड था, बीट ऑफिसर। और यहाँ सेंटर वाले में अपना था सबसे ऊपर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के नीचे अपना DGF, फिर उसके नीचे बहुत सारी चिल्लर है और नीचे चलती रहती, इतने की ज़्यादा बकैती की ज़रूरत है नहीं। अब अपना जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि आखिर जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उसका प्रिंसिपल क्या है, वहाँ पर 2 बातें डिस्कस की गई थी कि एक है सस्टेनेबल यील्ड और दूसरी है प्रोग्रेसिव यील्ड। जो हम फॉरेस्ट मैनेज करना चाहते हैं, जो हमारे प्रिंसिपल हैं जिनके बेस पे अपन फॉरेस्ट को चलाना चाहते हैं, या अपने बोल सकते हैं प्रिंसिपल का हिंदी याद नहीं आ रहा है, क्या बोलेंगे उसे, यानी कि अपने कुछ उसूल हैं, उन उसूलों के बेस पे अपन जंगल को मैनेज करेंगे। तो अब ये जो उसूल से हैं, यानी कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी वाला पार्ट है, जैसे कि सस्टेनेबल यील्ड क्या होती है, प्रोग्रेसिव यील्ड क्या होती है, इंक्रीमेंट क्या है, नॉर्मल फॉरेस्ट क्या है, एज क्लास और एज ग्रेडेशन वाली जो चीज़ें हैं, ये टर्मिनोलॉजी जो है उसे डिस्कस कर लेते हैं, जिससे जब हम यील्ड रेगुलेशन पढ़ें तो दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले देख लेते हैं सस्टेनेबल यील्ड। सस्टेनेबल यील्ड का मतलब हुआ इवन फ्लो। इवन फ्लो का मतलब है, ये एक टाइप से ब्रिटिश वालों का मुद्दा है कि आप जैसे दिल्ली में रहते हो, आप घर वालों से ये चाहते हो कि भाई हमें ये नहीं चाहिए कि तुम जनवरी में 12,000 भेज दो, फरवरी में 6,000 भेज दो, मार्च में 15,000 भेज, मतलब घर से जो इनकम आ रही है, जो पॉकेट मनी दे रहा है, जो दिल्ली में रहने का खर्चा मिल रहा है, वो ऐसा नहीं कि हौज पौज हो। उससे क्या होता है कि इधर आ गए तो ये मस्ती मार रहा है, और जैसे ही 6,000 हो गए दिमाग ख़राब हो गया कि 6,000 में किराया दूँ, खाने का दूँ, या फिर किताबें खरीदूँ, तो दिक्कत आ जाती है। तो स्टूडेंट क्या चाहता है, भाई बकैती नहीं, आप मुझे फिक्स अमाउंट दे दो, मैं एडजस्ट कर लूँगा, क्योंकि उससे इसे फिक्स पता पड़ जाता है, खाने का ये फिक्स है, वो उसे आया पैसा, मैस वाले को दे दिया, किराया मकान मालिक को पकड़ा दिया, जो पॉकेट में नहीं बची कौन सी किताब, वो उसे समझ में आता है कि ये किताब अभी नहीं खरीद पाए, ये अगले मंथ की बजट में खरीद लूँगा। तो सस्टेनेबल का मतलब है एक फिक्स इनकम होना।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब ब्रिटिश के अंडर था तो उनने भी इस पे ही मेनली काम किया, यानी कि दुनिया में दो कॉन्सेप्ट ये चलते रहे। एक वो ग्रुप है लोगों का, यानी कि जो फॉरेस्टर हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो थिंकर हैं, बिलीवर्स हैं, एक तो वो ग्रुप हैं जो सोचते हैं कि हमें फॉरेस्ट हमेशा सस्टेनेबल ईल्ड वाले कॉन्सेप्ट पे चल के मना वो मीन्स मैनेज करना चाहिए। क्योंकि सस्टेनेबल ईल्ड का मतलब हुआ कि जो अपने पास फॉरेस्ट का जो पैच है, सपोज एमपी गवर्नमेंट है, इसके पास 5 मिलियन हेक्टर का फॉरेस्ट है, जब इससे सस्टेनेबल ईल्ड हो रही है, यानी कि नॉर्मल फॉरेस्ट आइडियल फॉरेस्ट है और उससे एक फिक्स आइडियल आपको इनकम हो रही है, सस्टेनेबल कंटिन्यूस ईल्ड हो रही है, जो भी लक्ष्य में मिलनी है हर साल एक फिक्स अमाउंट में इनकम हो रही है। इनकम इन द सेंस एक 25 ट्रक टिम्बर निकल रहा है एक फॉरेस्ट एरिया से, तो हर साल वो 25 ट्रक निकलेगा उस फॉरेस्ट को डिग्रेड किए बिना, वॉल्यूम में लेंगे, क्योंकि मनी में क्या होता है टाइम के साथ वैल्यू में जो टिम्बर की वैल्यू है वो इंक्रीज होती रहती है, तो उससे फ्लक्चुएशन आ जाती है, तो वॉल्यूम ले लेते हैं कि 25 ट्रक माल हर साल आ रहा है। अब ये सस्टेनेबल ईल्ड से फ़ायदा क्या है? पहली बात यह है कि वो जंगल में हर साल कटाई होनी है, हर साल 25 ट्रक माल निकलता है। डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड से लेकर के सीएम तक सबको मालूम होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा होती है, सबको मालूम होता है कि इस फॉरेस्ट से इतनी ईल्ड निकलेगी। तो फर्स्ट थिंग ट्रांसपेरेंसी सही होती है, एक फिक्स इनकम मिलती है, तो गवर्नमेंट को पता होता है कि उसके इस साल का जो मंथली बजट बनाया है, इस साल का जो बजट बनाया है उसने 400 करोड़ का, फॉर जस्ट एग्जाम्पल के लिए, तो उसे इतना यहाँ से आएगा, इतना यहाँ से आएगा, इतना इधर से आएगा, और फिक्स है उसे कि भाई 25 करोड़ तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसकी पॉकेट में डालेगा, तो जो इनकम है वो फिक्स है, उसे पता है कि इतनी वहाँ से आएगा। तो इससे क्या है कि जो बजट करना है, बजटिंग जो है वो आसान जाती है। कोई प्राइवेट फॉरेस्ट है तो सबको मालूम है कि इससे 25 ट्रक माल निकलेगा तो कितना टैक्स लगेगा, सबको पता होता है, तो उस पर एक फिक्स अमाउंट का टैक्स हर साल आता है, गवर्नमेंट को भी पता होता है कि इतना टैक्स मिलेगा, तो वो अपने बजट को उसी हिसाब से मेंटेन करता है। तो सस्टेनेबल ईल्ड में क्या है, टैक्स करना, टैक्स लगाना, बजटिंग करना, ये बहुत आसान होता है। दूसरी बात, हर साल 25 ट्रक निकलना है तो आप 25 ट्रक वालों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि भाई अगले 20 साल के लिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, डीलिंग है, आप ही इस माल को लोडिंग करके अनलोडिंग करोगे, ट्रांसपोर्ट करोगे, आप भाई अपनी बात कर लेते हैं किस में कितना सस्ता पड़ेगा। तो उसे भी लगता है 20 साल कंटिन्यूस करना, काम मिल रहा है तो वो रेट गिरा लेगा। तो यहाँ पर क्या है कि डिपार्टमेंट को जो लेबर फोर्स है, जो वर्क फोर्स है, उसे हायर करना, परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना, जैसे कि वहाँ किसी एरिया से जब कंटिन्यूस एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है टिम्बर का एक फिक्स अमाउंट में, तो वहाँ पर रोड डालने का, कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसे कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हर साल यूज करना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो थोड़ी आसान हो जाती है। तो सस्टेनेबल का पहला तो मतलब समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब है सस्टेनेबल ईल्ड का कि रेगुलर और एक फिक्स सप्लाई ऑफ डिजायर फॉरेस्ट प्रोड्यूस विथ फॉरेस्ट की फुल कैपेसिटीज है, विदाउट हार्मिंग उसकी जो फॉरेस्ट है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसे बिना हार्म पहुंचा है, उससे कंटिन्यूस ईल्ड लेते रहना। अब देखते हैं कि सस्टेनेबल ईल्ड को कैसे अचीव किया जा सकता है, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। धीरे धीरे इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो ये सब्जेक्ट आगे बहुत आसान है, और अगर ये समझ में नहीं आ पाया तो आगे ये सब्जेक्ट में थोड़ी मुश्किल नहीं, बहुत कुछ मुश्किल हो जाएगा। अब इसे कैसे समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास 10 हेक्टर का एरिया है और आप अपने खेत में यूकेलिप्टस को लगाना चाहते हो। यूकेलिप्टस का जो रोटेशन है वो 10 साल का है, यानी कि अगर मैं आज लगा दूं तो राइट आज से 10 साल बाद बिल्कुल फिक्स कैलेंडर, यानी कि आज मैंने 1 जनवरी 2021 को लगा दिया तो 10 साल बाद यानी कि 31 दिसंबर 2030 को मैं इसे काट सकता हूँ। 31 दिसंबर 2030 को, मतलब उसे एग्जैक्टली 10 ईयर, पूरा 21, पूरा 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 31 दिसंबर 2030 को उसको राइट 10 ईयर होंगे और उसे हम काट सकते हैं। वो है उसका 10 साल का रोटेशन। कॉन्सेप्ट को समझो, उसमें दिक्कत रहेगी। तो अपने पास क्या रहा, 10 हेक्टर का एरिया है,
हम लोग चाहते हैं कि हमें हर साल एक फिक्स अमाउंट में ही यूकलिप्टस का हार्वेस्टिंग मिले, जिससे हमारी जो इनकम है वो सस्टेनेबल हो। 10 हेक्टर का एरिया है। एक तो तरीका मेरे पास ये हो सकता था कि मैं पूरे में आज प्लांटेशन कर दूं 1 जनवरी 2021 को, जस्ट एग्जांपल के लिए आज 1 जनवरी मार रहा हूँ, और जब 10 साल बाद ये पूरा कटेगी तो पूरे को एक साथ काट दूंगा। आज पूरा एक साथ लगाऊंगा और पूरे को एक साथ काट दूंगा। उससे होगा क्या, अगले 9 साल मेरी कोई इनकम नहीं होने वाली है। वैसे तो इसमें भी जो करने वाले हैं उसमें भी नहीं होगी, लेकिन इसमें होता क्या है, आज मैं 1 जनवरी 2021 को लगा देता हूँ, अब मेरी नेक्स्ट जो इनकम होगी वो होगी 2030 की 31 दिसंबर को। अब इसके बाद फिर क्या होगा नेक्स्ट जो है, क्योंकि जो 2031 आएगा उसकी 1 जनवरी को जब मैं प्लांटेशन करूँगा, तो मेरी जो नेक्स्ट इनकम है वो आएगी 31 दिसंबर 2040 को। 2040 40 क्या हो गया ये 2040 2040, यानी कि इस पीरियड में कोई इनकम नहीं होने वाली है बीच के 10 साल में। फिर यहाँ पर 10 साल का गैप, तो ये जो गैप है वो इनकम में हर 10 साल का चलता रहेगा। फिर दिक्कत इसमें और भी क्या है, जब 10 साल पर कटाई पे आएगा तो मुझे बहुत सारे ट्रक वालों को बुलाना पड़ेगा कि यहाँ से जो माल कटा है उसे ट्रांसपोर्ट करना है, बहुत सारी लेबर फोर्स को लेके आना पड़ेगा, वो कई बार मिलती नहीं है, ट्रक मिलते नहीं है, और मैं यहाँ पर कोई परमानेंट इंफ्रा खड़ा नहीं कर सकता क्योंकि 10 साल बाद काम है, 9 साल खाली पड़ा रहेगा, वो यूज नहीं होगा। यानी कि जब काम पड़ेगा तो एकदम बहुत ज़्यादा, नहीं तो काम नहीं है। 9 साल या 10 साल कोई काम नहीं है, 9 साल कोई काम नहीं है, और जिस साल कटाई होना उस साल ओवरलोडिंग हो रखी है। तो ये समस्याएं होती हैं सिस्टम में। तो ऐसा ना करके हम लोग क्या करेंगे, इसे इस हिसाब से मैनेज करेंगे कि हर साल एक फिक्स अमाउंट में हमें टिम्बर को काटना हो, जिससे जो अपना लेबर फोर्स है उसे परमानेंट रिक्रूट कर सकते हैं, लकड़ी वाले जो ट्रांसपोर्टेशन है उनके साथ भी डील कर सकते हैं कि भाई हर साल इतने ट्रक माल तुम्हें दिल्ली लेके जाना है, तो वो भी एक डील की जा सकती है, तो वो सस्ता पड़ जाता है और इनकम हर साल होती है, तो वो एक सस्टेनेबल भी है। तो आप उसे कैसे करेंगे वो समझते हैं। जैसे आपके पास यूकलिप्टस है 10 साल के रोटेशन का, और आपके पास 10 हेक्टर का एरिया है। मान लेता हूँ आज 1 जनवरी 2031 है, मैं यहाँ पर प्लांटेशन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये अपना जो है फर्स्ट ईयर जो है वो ख़त्म होता है, हम चलते हैं 31 दिसंबर 2021, 2021 का 2021 का 31 दिसंबर। अब इसे 1 साल हो चुकी है, यानी कि 1 ईयर का कंप्लीट हो गया, ये बच्चा जो है वो 1 साल का हो चुका है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, ये 1 साल का हो गया, 1 जनवरी 2022 को, दो मतलब 22, 1 जनवरी 2022 को इस एरिया में प्लांटेशन कर देंगे। इसे यहाँ ले लेते हैं, उसमें प्लांटेशन की थी। जब 2022 का 31 दिसंबर आएगा तब क्या होगा, ये जो है 31 दिसंबर 2022 में ये बच्चा जो है वो 1 साल का हो जाएगा, यानी कि अपनी जो प्लांटेशन है वो 1 साल की हो चुकी है, 2022 उसने पूरा कंज्यूम किया, तो 31 दिसंबर 2022 यानी कि इसने पूरी की है, और ये 2 साल की हो चुकी है क्योंकि इसने पूरा 21 को यूज किया है और पूरा 22 को यूज किया है, तो ये क्रॉप हो गई 2 साल की, ये क्रॉप हो गई 1 साल की। 1 जनवरी 2023 को फिर हम इस एरिया में प्लांटेशन कर देंगे, फिर आगे चलेगा अपने यही क्रम। जब 23 का जो लास्ट आएगा उसमें ये क्रॉप है वो 1 साल की हो जाएगी, ये क्रॉप हो जाएगी 2 साल की, और ये हो जाएगी 3 साल की, क्योंकि पूरा साल हुआ। इसको अपने कागज पे पेन पे एक बार बना करके समझें जरूर, क्योंकि ये पूरा यील्ड रेगुलेशन में हेल्प करेगी, आगे बहुत काम आएगा इसका, तो इसे समझना थोड़ा ज़रूरी है। ये समझ में आ गया। अब आपके ये 23 है, 2023 31, ये गलत लिख जाता है हमेशा,
2023 की 31 दिसंबर को देख रहा है, फिर अपनी 2024 की 1 जनवरी को इसमें प्लांटेशन कर देंगे, तो ऐसे ही अपना चलता रहेगा। ये मान लेते हैं अपन 7th ईयर, 7th ईयर में जो अपने 2027 है उसकी 1 जनवरी को अपन ने यहाँ पर प्लांटेशन की थी, ये 26 वाली को 31 दिसंबर को, मतलब 1 साल हो चुकी है, इसे 2 हो चुकी है, 3, 4, 5, 6 साल की ये क्रॉप हो चुकी है पहले वाले की, ये 5 साल की क्रॉप हो चुकी है, यानी कि ये बच्चा 6 साल का हो गया, ये 5 का है, 4 का, 3 का, 2, ये अभी 1 साल का बच्चा है और ये अभी लगा ही लगा है, पैदा ही हुआ है। ये अपना क्रम चलता रहता है। आगे अपनी 10वें साल की एंड देख लेते हैं। जिस साल 10वें साल का, यानी कि 2030, 2030 का 31 दिसंबर को देख लेते हैं, 31 दिसंबर 2030 में ये जो है बच्चा, क्योंकि ये पैदा हुआ होगा 2030 की 1 जनवरी को, तो ये 31 दिसंबर को हो जाएगा 1 साल का, और ये लास्ट वाला बच्चा है ये हो जाएगा 10 साल का। ठीक है, 10 साल का हो चुका है, ये 1 साल का हो चुका है, ये 31 दिसंबर 2030 को 10 साल के पेड़ हो चुके हैं। हम लोग क्या करेंगे, 10 साल का हो गया, काट लेंगे इसे, इसको काट करके यहाँ लगा देंगे। अब ये लगा, अब सपोज चलते हैं कि ये पहुँच गया 2031 था, 2031 यानी कि 2031 की 1 जनवरी को लगाया अपन, सपोज मान लेते हैं 2031 ने पूरा काट लिया, तो ये हो गया 1 साल का, ये कितने का हो जाएगा, ये 2 साल का, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 31 दिसंबर की बात कर रहा है, 31 दिसंबर 2031 की, तो ये 1 साल की हो गई, यानी कि ये 10 साल की हो गई। नेक्स्ट ईयर क्या करने वाले हैं, इसे फिर काटेंगे और यहाँ पर फिर प्लांटेशन कर देंगे, फिर इसे काटेंगे, इसे करेंगे, तो इस टाइप से क्या है कि एक क्रम बन जाता है आपका, कि आप हर साल एक फिक्स ब्लॉक को कट करोगे और उसकी जगह प्लांटेशन कर दोगे। तो इस टाइप से पहली बात यह है कि आपकी जो क्रॉप है वो बिल्कुल सीढ़ी की तरह बनने लगती है, आपको एक फिक्स एरिया है जिसे हर साल कट करना, एक फिक्स अमाउंट में 5 ट्रक या 10 ट्रक माल हर साल निकलना है। आपको पता है कि इसकी कटाई के काम 4 दिन चलता है, तो 4 दिन के लिए जो लेबर फोर्स चाहिए आप उतना परमानेंट रिक्रूट कर सकते हो, यानी कि समझाने के लिए है ये। फॉरेस्ट में ये जो कटाई का, जैसे मैंने बोल दिया आपको 31 दिसंबर को कटता है, 1 तारीख को प्लांटेशन लगनी है, ये ऐसा एक्चुअल में रियल सेंस में नहीं चलता है। रियल सेंस में जो कटाई है वो साल भर चलती है, और प्लांटेशन वर्क भी साल भर चलती है, और ये रोटेशन जो 10 साल है वो 120 साल, 150 साल ऐसे पीरियड में चलती है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है पूरा, इसी हिसाब से वो चलते हैं। आप इसे एग्जाम में भी कोट कर सकते हैं, क्योंकि ये यूकलिप्टस में यही चलता है, अदर स्पीसीज के हिसाब से थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, 2-4 दिन ऊंच नीच में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये सीढ़ीदार जैसे टाइप से है, इससे होगा क्या कि आपको हर साल एक फिक्स अमाउंट में टिम्बर मिल रहा है, यानी कि आपकी जो यील्ड है वो सस्टेनेबल हो गई। अब सस्टेनेबल होने से एडवांटेज क्या है, इन्हें डिस्कस कर चुके हैं कि एक फिक्स इनकम हो जाती है, बजट और टैक्सेशन को जो असेसमेंट है वो आसान हो जाता है, आप लेबर है, एम्प्लॉयमेंट है, कॉन्ट्रैक्टर है, इन सब से एक डील कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनमें कटाई का काम साल भर चलता है, जैसे मैं यहाँ पर 31 दिसंबर 1 मिनट जल्दी कर रहा हूँ, वो थोड़ा महीने का काम होता है, तो इन्हें साल भर काम करते हैं, इन्हें फिक्स 25 लेबर चाहिए, वो पूरी ब्लॉक में इस मंथ इसमें कटाई करनी है, अगले मंथ उसमें करनी है, फिर उसमें करनी है, तो इस टाइप से वो पूरे साल एम्प्लॉय रहते हैं, फिक्स अमाउंट हो जाता है, तो ना एक टाइप से परमानेंट रख लेते हैं, वो हमें कहीं बाहर ढूंढना नहीं पड़ता है, हमें से ज़रूरत पड़ती नहीं है, वो उतने में काम हो जाता है, तो इस टाइप से इसे परमानेंट रखना आसान हो जाता है, और ये पॉसिबल टू स्टेबलाइज परमानेंट स्ट्रक्चर, जैसे कि रोड डालना है या कोई इंस्पेक्शन के लिए कुछ और काम करना है, तो वो चीज़ें करना आसान हो जाता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो हमारी इनकम होती है वो फिक्स है, घर वाले आपको 10,000 आज भी दे रहे हैं,
यानी कि सपोज आज से 3 साल पहले भी आपको 10,000 रुपये मंथ भेज रहे थे, 2 साल पहले भी 10,000 भेज रहे हैं, आज भी वो 10,000 पर मंथ ही आपके अकाउंट में आ रहा है। अब वो आपको ये नहीं दिख रहा है, उनने तो फिक्स कर दी, आपको तो आसान हो गया, लेकिन भाई क्लासेस के रेट बढ़ जाते हैं, और भी चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, मेस के चार्ज बढ़ गए, मकान मालिक ने किराया बढ़ा दिया, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। यानी कि समय के साथ इन चीज़ों में तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन फॉरेस्ट से 25 ट्रक माल मिल रहा था, वो 25 पे ही टिके हुए हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ गई लेकिन उनमें कोई सुधार नहीं, वो पुराने ही रेट पे अभी भी चल रहा है, पुरानी स्पीड से ही चल रहा है। तो इनका कहना है कि ये जो है इनकी जो सप्लाई है वो बिल्कुल रिजिड है, वो फिक्स सप्लाई पे ही बने रहते हैं। दूसरा बोला इसे ऑप्टेन करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता, बहुत ही डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों? जैसे यहाँ बात की जा रही थी, ये जो अपना पूरा सिस्टम था जो यहाँ पर जो साइकिल चल रही है, अगर ये बिल्कुल एग्जैक्टली चलती रहे तो अपन को हर साल फिक्स अमाउंट में इनकम होने वाली है। लेकिन हुआ क्या, सपोज किसी साल यहाँ जंगल में आग लग जाती है और आपकी ये आधी प्लांटेशन को जला देती है, ये बीच की प्लांटेशन गई, आपकी तो सस्टेनेबिलिटी की तो वाट लग गई, तंबूरा लग गया इसका, अब क्या करोगे? फिर अगले 6-7 साल मैनेज करने में लगेंगे, तब तक इंसेक्ट पेस्ट ने अटैक कर दिया, फिर दिमाग खराब, फिर बैठे रहोगे। तो ये एक्चुअल में प्रैक्टिकली, ये थ्योरेटिकल तो सही है लेकिन प्रैक्टिकली से एग्जैक्टली उस आइडियल कंडीशन में अचीव करना इतना आसान नहीं है। तो यही इनका कहना है कि देखो भाई ये चीज़ें ठीक है लेकिन ये इतनी डिफ़िकल्ट है कि इसे ऑप्टेंट आसानी से नहीं किया जा सकता। तीसरी बात है, टाइम के साथ टिम्बर की जो डिमांड है वो बदलती है। जैसे कि सपोज यूकेलिप्टस है, उसे आज लगाएंगे 10 साल बाद प्रोड्यूस होगा, ये तो एक छोटी सी क्रॉप है, पॉपुलर है, वो भी जल्दी हो जाती है। लेकिन जैसे मार्केट में टिक की डिमांड है, 40 साल या 60 साल या 80 साल के रोटेशन पे आपने लगाई, आज लगाओगे 60 साल बाद कटेगा, 60 साल में किसने देखे हैं? हो सकता है टिक की जो डिमांड थी वो प्लाईवुड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अगले 20 साल बाद कोई इनोवेशन हो जाता है, कोई नई चीज़ें आ जाती हैं और लोग घरों में जो टिक के बेड हैं, टिक की टेबल है, चेयर है, वो बिछाने बंद कर देते हैं, वो बोल देते हैं नहीं वो मैं तो प्लास्टिक से बनवाऊंगा, या जो 3D प्रिंटेड का इतना क्रेज हो जाता है कि वो 3D प्रिंटेड चीज़ें आने लगती हैं, पॉलीमर की टिम्बर लोग यूज करना ही छोड़ दें। तो आपने जो आज इन्वेस्टमेंट किया, 60 साल तक उसे प्रोटेक्ट किया, यानी कि 60 ईयर तक जो इन्वेस्टमेंट किया वो इन्वेस्टमेंट का तो तंबूरा लग गया, उसका क्या होगा? तो ये जो चीज़ें हैं वो टिम्बर की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, घट रही है, 60 ईयर बाद कौन सा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो जाए, तो ये चीज़ें वहाँ नहीं चल पाती हैं। नेक्स्ट है सस्टेनेबल यील्ड, में कहने का मतलब इनका यह है कि देखो हम हर साल 31 दिसंबर को इतनी लकड़ी काटेंगे, अगर सपोज जनवरी में टिम्बर, जून जुलाई के टाइम पे मार्केट में टिम्बर की डिमांड ज़्यादा है, ये बोला है, नहीं हम नहीं काटेंगे, हम काटेंगे तो 31 दिसंबर को ही, अगर अपन इस टेबल को फॉलो करते हैं इसको, तो ये काटेंगे तो 31 दिसंबर की रात को काट लेंगे, क्योंकि 1 जनवरी की सुबह इन्हें प्लांटेशन करना है, तो इनने फिक्स कर रखा है 31 जनवरी को ही काटेंगे, क्योंकि अगर उससे पहले काट देंगे तो इनकम में हौज पौज हो जाएगी, इनकी सस्टेनेबिलिटी नहीं रही। ये 9 साल की को तो काट ही नहीं सकते, 10 साल की को भी 9.5 में नहीं काट सकते, अगर इनसे ये बोला जाए कि भाई जून जुलाई में रेट अच्छे चल रहा है मार्केट में, इस टाइम पर टिम्बर की कमी है, काट लो बेच लो, तो ये बोलेंगे नहीं, अगर मैं जून जुलाई में इसे काट दूंगा, इसको 9.5 साल की मैं बेच दूंगा, चलो ठीक है अभी तो रेट मिल जाएंगे, लेकिन जो ज़मीन खाली होगी वहाँ पर मैं प्लांटेशन काट दूंगा, तो वो आधा साल की प्लांटेशन जब 1 जनवरी को ये जीरो से शुरू होती है, वो यहाँ आधा महीना पहले काट चुकी होगी, तो ये आधा महीने मेरे पूरे कॉन्सेप्ट को गड़बड़ाएगी, क्योंकि फिर ये 1, 2, 3, 4 की गिनती चलती है, वो कैसी चलेगी? 1.5, 2.5, 3.5, 4, 9.5, फिर बोला फिर भी मुझे वो हमेशा 9.5 पे ही काटनी पड़ेगी, तो ये जो चलती है इनके में वो नहीं हो पाता। तो ये बोलते हैं कि नहीं सस्टेनेबल मतलब 31 दिसंबर को ही। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जब मार्केट में कमी हो या ज़्यादा हो, सपोज टिम्बर जो मार्केट में कमी है और रेट बढ़ गया है, लोग खरीद नहीं पा रहे हैं,
गवर्नमेंट के पास टिम्बर है लेकिन वो काटना नहीं चाहती, काट ही नहीं सकती, सस्टेनेबिलिटी पे कॉन्सेप्ट पे चल रही। या मार्केट में टिम्बर बहुत ज़्यादा आ गया, प्राइवेट सेक्टर ने ग्रो किया था, एकदम बूम कर दिया, उसमें रेट जो है बिल्कुल ज़मीन पे आ गए, तुम भाई मत काटो ना, अभी 6 महीने बाद काट लेना। लेकिन ये बोलेंगे नहीं, हमारा 31 दिसंबर है, हम तो काटेंगे। तो ये इनके साथ दिक्कतें रहती हैं इसमें, सस्टेनेबल वाले में। तो अब फिर जब इसमें समस्याएं रहेंगी तो टाइम के साथ साथ लोग भी आते हैं, रिवोल्ट करते हैं। तो इनके कुछ राइवल एरिया है, इन्होंने बोला कि भाई साहब ऐसा है, ज़माना बदल रहा है, नई नई तकनीक आ रही है, तुम अभी भी पुरानी ड्रम लेके बजाने बैठे हो, इससे भाई तुम्हारा काम चल जाएगा, हमारा नहीं चलेगा। तो इनमें मेनली आए हर्टिग, हार्ट मतलब जो दिल होता है वो, हर्टिग आए। इन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं है, हमारे पास एक फॉरेस्ट एरिया है, हम चाहते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांस हो रहा है, सिल्वीकल्चर में एडवांस हो रहा है, हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं। आज वो फॉरेस्ट का एरिया सस्टेनेबल तरीके से विदाउट हार्मिंग उन्हें, आज 5 ट्रक माल निकाल रहा था, कल 25 निकालेगा। तो मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैं 5 ही काटता रहूँ? मैं 25 जब काट सकता हूँ तो क्यों ना काटूँ? तो इनका कहना है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, स्पीसीज इम्प्रोवाइज जो स्पीसीज है, हाई ग्रेड की स्पीसीज है, उन्हें भी जब हम ग्रो कर रहे हैं तो बेटर तरीके का हम प्रोडक्शन करें ना, तो इस टाइप से हम जो यील्ड है वो समय के साथ ग्रोथ करें। सस्टेन मतलब हम उसे हार्म नहीं कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव भी हो रही है लेकिन उसका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव यील्ड, यानी कि उनका कहना है राइजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉयल एंड क्रॉप बाय चेंजिंग क्रॉप कंपोजिशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ओरिजिनल इन्फीरियर क्रॉप बाय सुपीरियर वंस। सिल्वीकल्चर ट्रीटमेंट है, बहुत सारी चीज़ें, हम पहले से ज़्यादा बेटर प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सब कुछ बेटर दे रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो क्यों हम वही 5 ट्रक माल काटें? हम 25 काट सकते हैं तो काटना चाहिए, ये बोल रहा है इनका। अब इससे क्या दिक्कत आती है प्रोग्रेसिव यील्ड से, इसके भी फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि ये इंडिया जैसी ग्रोविंग इकोनॉमी जिनकी समय के साथ टिम्बर की ज़रूरतें बढ़ती हैं, बढ़ती जा रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही, ज़रूरतें बढ़ रही हैं, उनके लिए प्रोग्रेसिव यील्ड के कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल पे चलना आसान है। क्यों? क्योंकि उनकी ज़रूरतें यहाँ से हो सकती हैं। वो सस्टेनेबल यील्ड से चलेंगे तो हमारी अगर 2000 में पॉपुलेशन सपोज ये थी, 100 करोड़ थी, उनके लिए हमने 25 हेक्टर एरिया को सपोज मैनेज कर रखा था, आज पॉपुलेशन अगर 200 करोड़ हो गई, डबल हो गई, तो हमें यहाँ एरिया भी डबल मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि इस एरिया से उतना फिक्स ही काटा जा सकता, उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। तो सस्टेनेबल हमारे जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए सुटेबल नहीं है। हम लोग चाहते हैं प्रोग्रेसिव यील्ड या फिर इंक्रीजिंग यील्ड, ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सुटेबल है। दूसरा, जो डेवलपिंग कंट्री है जिनकी इकोनॉमी में बहुत बड़े फ्लक्चुएशन नहीं है, जैसे कि ब्रिटेन है, जर्मनी है, वो लोग सस्टेनेबल का तमूरा बजाते रहे, उनके लिए ठीक है। तो प्रोग्रेसिव के साथ पहला एडवांटेज है कि डेवलपिंग इकोनॉमी जो है उनकी मार्केट को, उनकी इकोनॉमी को ये सपोर्ट करता है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट बैठता है। लेकिन नेगेटिव ये है कि इसमें हर साल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही, किसी को श्योर नहीं होते हैं कि पिछले साल इस जंगल से 5 ट्रक माल आया था, इस साल पता नहीं कितना आएगा। तो इंडस्ट्री को भी इंश्योर सिक्योरिटी नहीं रहती कि भाई इस बार 5 ट्रक आएगा या इस बार, मतलब 5 से तो ऊपर आएगा लेकिन वो 7 आएगा या 10 आएगा। अगर 3 ट्रक माल ज़्यादा आ गया तो मार्केट में रेट गिर जाएंगे, अगर 7 आया तो जो इनने एज्यूम कर रखा वही रहेगा। तो इससे मार्केट में हल्की सी अनिश्चितता, अनस्टेबिलिटी रहती है। तो इसका एक डिसएडवांटेज है। रिमेनिंग चीज़ें जो हैं वो आपके में नोट्स में दी गई हुई है। अब इसमें एक और बीच में आती है इंटरमीडिएट यील्ड और फाइनल यील्ड, एक कॉन्सेप्ट ही है, जस्ट थोड़ा टाइम पास में देख लेते हैं कि आखिर होता क्या है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे थे ये वाला, ये जो चल रहा था, जैसे कि इस कॉन्सेप्ट में हम लोग चल रहे थे, इसमें हर साल आपकी इनकम हो रही थी। इस टाइम पे मैंने बताया था कि सपोज अपन ऐसा करते हैं कि आज 21 में प्लांटेशन लगा देते हैं और इसे हार्वेस्ट करेंगे 20
31 दिसंबर 2030 को। फिर जब हम 1 जनवरी 2031 को लगाएंगे और वो सीधा हार्वेस्ट करेंगे 31 दिसंबर 2040 को। अगर हम इसी पे चल रहे हैं, जस्ट एग्जांपल सिंपल सा किसान है, वो इतने सस्टेनेबल ईल्ड प्रोग्रेसिव ईल्ड के चक्कर में नहीं लगता, एक देहाती गांव का किसान है, उसे एक भी बात समझ में आती है कि भाई उसका खेत पड़ा है, आज प्लांटेशन कर देगा, 10 साल वो चैन से सोएगा और 10 साल बाद काट लेगा, उसे इतनी तिकड़म हर साल काटो, हर साल फसल वो ट्रांसपोर्टेशन करो, इतनी बकैती नहीं काटनी है, वो सीधे सीधे में ही जाते हैं। अब इसमें जो यहाँ पर जो क्रॉप मैच आती है, इसे बोला जाता है फाइनल ईल्ड। इसमें इंटरमीडिएट ईल्ड का मतलब है कि जब इसकी जो ग्रोथ पीरियड है, हम लोगों ने सिल्वीकल्चर में पढ़ा था थिनिंग, जब आप प्लांटेशन कर देते हो, जैसे टी की प्लांटेशन में 4th ईयर में 8th ईयर में कुछ पेड़ों को छांटते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में हम डेंसली प्लांटेड कर देते हैं, तो जैसे उसमें बीच में प्रूनिंग कर दिए, टेंडिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें थिनिंग की जाती है, यानी कि कुछ पेड़ों को बीच में काट काट के निकाला जाता है। तो ये जो 10 साल का जो इनकी ग्रोथ पीरियड है, इसमें 2-3 बार थिनिंग कर ही देंगे, जब 2-3 बार करेंगे तो कुछ बीच में टिम्बर कुछ तो निकलेंगे, तो वो जो बीच में मटेरियल निकल रहा है उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट ईल्ड, यानी कि मध्यकालीन बीच के टाइम में निकलने वाली जो इनकम है वो है इंटरमीडिएट ईल्ड। तो यहाँ पर जो डिफरेंस में है, बस ये बेसिक जो टर्म थे वही समझना था कि इंटरमीडिएट ईल्ड क्या है और फाइनल ईल्ड क्या है। फाइनल ईल्ड वो है जो उसके रोटेशन पे मिलती है, यानी कि जो एंड पे जो क्रॉप हार्वेस्टिंग का पीरियड है, एंड पे जो मिलती है वो फाइनल ईल्ड है, और जो बीच में मिलती है वो है, जैसे कि सिल्वीकल्चर सिस्टम में सल्टर वुड पड़ा है, रीजनरेशन फिलिंग है, फाइनल फिलिंग है, फाइनल फिलिंग्स तो इसमें चली जाती है, इसे नहीं देखेंगे। यहाँ पर बोल रहा है मिड बिटवीन रीजनरेशन एंड फाइनल फिलिंग, यानी कि फाइनल फिलिंग तो फाइनल ईल्ड है। इसका कहना है कि प्लांट के लगाने से और उसके कटने के बीच में जो ईल्ड निकल रही है वो है अपनी इंटरमीडिएट ईल्ड, सेंस वही है। पर्पज़ क्या है, रिटर्न क्या मिलता है, नॉन टिम्बर फॉर, इसका पर्पज़ केवल यह है कि इस टाइप का जब क्वेश्चन आ जाए 10 मार्क का, तो आपको तो पता यही होता है कि इंटरमीडिएट ईल्ड क्या है, फाइनल ईल्ड क्या है। अब ये तो डिफरेंस आया 10 मार्क का, करोगे क्या? तो लिख दिया भाई 2 लाइन में, दो इधर लिख गई, दो इधर लिख गई, लेकिन इससे 2-3 मार्क का तो क्वेश्चन बन गया, लेकिन 10 का नहीं बन पाता है। तो फिर 10 को कैसे खींच तान के करें, तब वो पर्पज़ है कि एक तो हम यहाँ पर क्या मिलता है, कब मिलता है वो देख लेंगे, फिर अपन लिख देंगे कि इनके पर्पज़ क्या थे, फिर हमें रिटर्न में क्या मिला, क्या यहाँ पर नॉन टिम्बर, यानी कि ये तो टेंजिबल बेनिफिट है, लक्ष्मी वाली बात है, ये नॉन टिम्बर यानी कि जैसे अपन को ऑक्सीजन, CO2 बैलेंस है, ऐसी सारी चीज़ें हैं, गम, रेजिन, फाइबर, ये सारी जो फुडर मिल गया, पत्तियाँ मिल गई, वो चीज़ों की भी बात कर लेते हैं। तो इसका पर्पज़ ये है, ये केवल यही नहीं, अदर भी ऐसी कोई डिफरेंस आ जाए आपको, जहाँ आपको एक टर्म इधर लिखा है, दूसरा इधर लिखा है, समझ में ना आ पा रहा हो कि क्या करें उसका 10 मार्क में, तो उसको कुछ स्टेक होल्डर देख सकते हो कि अच्छा ये टर्म है, ये है क्या, क्या मिलता है, कैसे काम करता है, कब अप्लाई होता है, इसका रिजल्ट क्या होगा, इस टाइप से कुछ पिलर करके हम उनके बीच का जो डिफरेंस है उसे आसानी से थोड़ा लिखा जा सकता है। अब इसमें कुछ जो सस्टेनेबल ईल्ड और प्रोग्रेसिव ईल्ड है उनके देख लेना, रिमेनिंग चीज़ आपके स्टडी मटेरियल में है, क्वेश्चन घूम फिर के यही आएंगे कि सस्टेनेबल ईल्ड क्या है, उसके क्या एडवांटेज है, उसके क्या डिसएडवांटेज है, प्रोग्रेसिव ईल्ड क्या है, उसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि आज के टाइम की जो कंडीशन है हमारे फॉरेस्ट की, वो हमें सस्टेनेबल ईल्ड की तरफ जाना चाहिए या प्रोग्रेसिव ईल्ड की तरफ, इसका इस टाइप के भी कई बार आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको इनमें से कौन से हिसाब से चलोगे। तो इसका सबसे बेटर ऑप्शन है, देखो प्रोग्रेसिव की अपनी समस्या है, सस्टेनेबल की अपनी समस्या है, यहाँ पर सिक्योर मोड यही है कि हम दोनों पे कदम रखेंगे, हम बोलेंगे हाँ हम कुछ जगह सस्टेनेबल करेंगे, कुछ जगह प्रोग्रेसिव। देखो ज़मीन अलग अलग है, फॉरेस्ट एरिया अलग अलग है, हिमालय में हमें सस्टेनेबल करना ज़्यादा सही है क्योंकि वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, वहाँ प्रोग्रेसिव के चक्कर में पड़ेंगे, बाहर से एग्जोटिक को इंट्रोड्यूस करेंगे तो एग्जोटिक वाली समस्या खड़ी हो जाती है। तो इस टाइप से जब भी आपको इस टाइप के बोला जाए कि इधर जाओगे या इधर जाओगे, तो कभी एक तरफ नहीं जाना है, हमें दोनों को ही संभालना है, जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बैलेंस में रहे। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, व्हाट इज प्रोग्रेसिव ईल्ड हो चुका है,
हाउ इज एनुअल यील्ड ऑब्टेन इन अ फॉरेस्ट वर्क विद पीरियोडिक ब्लॉक मेथड। ये पीरियोडिक ब्लॉक में जब समझोगे तो ये आराम से चीज़ें हो जाती हैं। व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी, मेंशन द पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट सस्टेनेबिलिटी का, एडवांटेज डिसएडवांटेज। प्रोग्रेसिव यील्ड कॉन्सेप्ट डिफर फ्रॉम सस्टेनेबल यील्ड, उम्मीद है कर लोगे। अंडर द प्रेजेंट सिचुएशन विच वुड यू सजेस्ट, कौन सी है जिसे तुम सजेस्ट करोगे। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है कि आप सस्टेनेबल के गुण गाने लगे या प्रोग्रेसिव के गुण गाने लगे, आपको वही करना है कि आप एक नाव पर नहीं सवार होगे, दोनों पे ही पैर रखने हैं और इसे इस हिसाब से मैनेज करना है कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चे थोड़ा इधर उधर भी सोच रहा है बालक। जैसे हिमालय के लिए सस्टेनेबल सही है, पेनिनसुलर रीजन के लिए प्रोग्रेसिव सही है, कोस्टल रीजन है जैसे मैंग्रोव्स हैं उनको भी मैनेज किया जाता है, उनके लिए सस्टेनेबल सही है क्योंकि प्रोग्रेसिव का मतलब है वहाँ पर आप कंटिन्यूस नई नई स्पीसीज को भी लगा रहे हो, पुरानी को हटा के नई को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जो एक खतरा हो सकता है क्योंकि इकोसिस्टम का इशू आता है। हालांकि इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट में प्रोग्रेसिव को आप ऐसे भी ले सकते हो कि हम नई नई स्पीसीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन ऐसी कर रहे हैं जो क्लाइमेटिकली रिजिलेंट है, क्लाइमेटिक चेंज का इम्पैक्ट उन पर कम पड़ता है, इस टाइप से हम फॉरेस्ट को सस्टेनेबल बना रहे हैं, तो वो एंगल को भी प्रोग्रेसिव में लेके आओगे तो फिर एक टाइप से वजन रहता है कि हाँ भाई हमें प्रोग्रेसिव लेना भी ज़रूरी है। और ऐसी जगह जहाँ बाहर की स्पीसीज को या कोई भी छेड़ा खानी करना खतरनाक हो सकता है वहाँ सस्टेनेबल ही रहने दो, तो दोनों ही पे पैर रख के अपन को काम चला लेना है। यहाँ यील्ड वाला तो हो गया, अब नेक्स्ट मुद्दा आता है अपना रोटेशन, इसे समझ लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि रोटेशन होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि आज ये पेड़ है काट के धर से रहे, आज हमने यहाँ पर कोई पेड़ को काट दिया, ठीक है, यहाँ पर आज एक क्रॉप लगाई, ये क्रॉप आगे बढ़ेगी बढ़ेगी लास्ट तक पहुँचेगी और यहाँ पर हम काट लेंगे, यानी कि काटने को इसे यहाँ पर ये पार्ट को गायब कर देते हैं और इसे यहाँ तक लेके जाते हैं और इसकी जो साइकिल है वो यहाँ से फिर शुरू होती है। तो ये क्या हो गया, ये इसका एक रोटेशन हो गया, यानी कि जहाँ से शुरू हुआ था वहीं वापस आ गए। अब फॉरेस्ट में क्या होता है, ये रीजनरेशन से शुरू होता है और हार्वेस्टिंग पे ख़त्म। तो वो पीरियड जो रीजनरेशन से शुरू हो और फिलिंग फाइनल फिलिंग के बीच का जो पीरियड है उसे बोलते हैं रोटेशन पीरियड, यानी कि बीच का वो टाइम पीरियड जिसमें क्रॉप को लगाने के बाद हार्वेस्टिंग के टाइम जो लगता है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा क्योंकि ये आगे जाके टर्म बार बार यूज कर रहे थे कि रोटेशन रोटेशन काफ़ी लंबे टाइम से सिल्वीकल्चर के टाइम पर ही चल रहा था कि हम सिल्वीकल्चर में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग शायद है फर्स्ट या सेकंड क्लास थी उसी में डिस्कस किया था कि हम चाहते हैं कि ट्री की जो रोटेशन पीरियड है उसे कम किया जाए। अब वो कम किया जाने का जो था वहाँ पर भी रोटेशन आया, तो पूरी फॉरेस्टी में ये टर्म चलता रहता है कि रोटेशन हमें ट्री स्पीसीज का कम करना है क्योंकि फॉरेस्टी में सबसे बड़ा चैलेंज ही है। तो रोटेशन तो समझ लिया, अब यहाँ पर ये और बवाल आ जाता है कि आखिर रोटेशन जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली रोटेशन जो है वो 6 टाइप के मान के चलते हैं। कुछ कंट्रीज हैं जिनमें 5 टाइप के पढ़ाए जाते हैं, वो यहाँ पर जो फिजिकल और सिल्वीकल्चरल है उसे एक ही मान लेते हैं। कुछ जैसे अपने यहाँ जो एक्सेप्टेड सिस्टम है उसमें अपन 6 मान के चलते हैं कि रोटेशन मतलब 6, यानी कि ऐसे समझ सकते हो कि जीवन काल, रोटेशन मतलब जीवन काल। अब 6 टाइप की जिंदगियां हो सकती हैं, वो 6 कौन कौन सी होंगी अब एक एक करके हमें उन्हें पढ़ना है। पहला पढ़ेंगे हम फिजिकल रोटेशन। फिजिकल का मतलब है कहीं पे हमने आज एक पेड़ लगा दिया और उसे लगा रहने दिया, कब तक, जब तक वो पेड़ खुद ही बूढ़ा होकर के गिरने न लगे, जब वो बिल्कुल मरने पे आ जाता तब उसे काट लेते हैं। मतलब पेड़ को हमने उसकी पूरी ज़िंदगी भर दी, अगर कोई जैसे देवदार का पेड़ है तो वो 1500 साल लगा रहेगा, नीम जो भी पीपल का पेड़ लगा दिया वो 150 साल 100 साल 200 साल जो भी जिया वो उतने तक वो चलता रहेगा, जब वो डेथ पे आ जाएगा जब उसकी टिम्बर जो है वो अनसाउंड होने लगेगा मतलब ख़राब होने लगेगा, तो हम ये सोचेंगे कि ख़राब होने से अच्छा है काट लो तो यूज हो जाएगा, नहीं तो वो खड़ा खड़ा बर्बाद हो जाएगा, तो तब लास्ट में हम उसे काट लेते हैं। इसे बोलते हैं फिजिकल रोटेशन, यानी कि जो उसकी फिजियोलॉजी थी फिजिकल के हिसाब से वो चलता रहा। जैसे अक्सर हम लोग जैसे अपने जो रोड के किनारे जो पेड़ लगाते हैं
उन्हें किसी कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगाते हैं, उन्हें हम इस हिसाब से लगाते हैं कि ये यहाँ पर लगे हैं, CO2 O2 को फिक्स करेंगे, नॉइज की समस्या ख़त्म करेंगे और यहाँ पर छाई शेडो कर देंगे, तो ये लगे रहने देते हैं, हम इनके साथ कभी छेड़ते नहीं। तभी इन्हें काटेंगे जब ये लास्ट में कमज़ोर हो जाते हैं, गिरने लगते हैं, यानी कि बुढ़ापा आ जाता है। तो फिजिकल रोटेशन एज अप टू विच ट्री रिमेन साउंड एंड कैन प्रोड्यूस वायबल सीड, जब तक वो उसका जो टिम्बर है वो सही है, खराब ना होना शुरू हो जाए और उससे जो बीज बन रहा है वो साउंड वायबल है, यानी कि जब बुढ़ापे में इतने ही बुढ़ापा आ जाता है कि उसके जो सीड हैं जो वो प्रोड्यूस थोड़ा बहुत करता, अभी वैसे तो करना ही कई बार बंद कर देते हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत कर भी देता वो भी अब वो कादू जर्मिनेट नहीं होते, यानी कि वायबल सीड प्रोड्यूस करना उसे बंद कर देता उससे पहले उसी टाइम तक हम उसे काट लेते हैं। अब इस टाइप का जो फिजिकल रोटेशन है ये कॉमर्शियल तो लगता नहीं है, आप आज पेड़ को लगा देते हो और छोड़ देते हो, भाई चलने दो, जब मरने लगेगा तब इसे काट लेंगे, तो ये हम कॉमर्शियल में काम नहीं कर पाते, कॉमर्शियल में ऐसा यूज भी नहीं किया जा सकता है। इसी कहाँ कर सकते हैं, जैसे रोड के किनारे प्लांटेशन, यानी कि कहीं प्रोटेक्शन का पर्पज है कि भाई प्रोटेक्शन कर ही रहा, कुछ तो कर ही रहा, बुढ़ापा भी है तो क्या है, CO2 का सिंथेसिस तो कर ही रहा, CO2 को सिंक तो कर ही रहा है, तो यानी कि प्रोटेक्शन है, कहीं सुंदरता के लिए एमिनिटी लगा दें वहाँ पर ही अच्छा चलता है। कॉमर्शियल इसका कोई मतलब नहीं है, कॉमर्शियल के लिए अगर आपने अपने खेत में लगा दिए 100 पेड़ और अगले 1000 साल के लिए छोड़ दोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरा है सिल्वीकल्चरल रोटेशन, इनमें कन्फ्यूजन होता है दोनों में, यही वजह है कि कुछ कंट्रीज में इन दोनों को एक साथ रखते हैं। सिल्वीकल्चर का मतलब है जैसे आपकी ग्रोथ की एक स्पीड होती है, जैसे आपकी जो ग्रोथ है, अब लोगों ने बॉटनी इसमें बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि हमारी जो ग्रोथ होती है वो इस टाइप के सिग्मोइडल कर्व में ग्रोथ करती है, स्टार्टिंग में कुछ ग्रोथ कम होती है, फिर तेजी से ग्रोथ बढ़ती है और फिर एक टाइम के बाद ग्रोथ जो है वो गिरने लगती है। ये जब ग्रोथ गिरने लगती है तो हमें समझ में आ जाता है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अपना बेस्ट दे चुका है, अब इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, तो हम यहाँ पर इसे खुचक लेते हैं, काट लेते हैं। ये है अपना सिल्वीकल्चरल रोटेशन, मतलब कोई जो प्लांट है उसकी जब उसकी जो परफॉर्मेंस थी, जैसी परफॉर्मेंस जो इसकी ग्रोथ की परफॉर्मेंस थी, जब वो गिरने लगे तो हमें समझ जाता है अब ये इससे ज़्यादा ना दे पाए। लेकिन इसमें भी क्या है कि जो पेड़ होते हैं, जैसे कि देवदारी ले लो, पता पड़ रहा उसकी परफॉर्मेंस शुरू हो गई, वो तो अगले 300 साढ़े 300 साल तक परफॉर्म ही कर रहा है, तो ऐसे में क्या 300 साल थोड़ी बैठे रहोगे उसके लिए, बहुत सारे पेड़ों की परफॉर्मेंस पता नहीं पड़ पाती। तो ये जो भी है जो सिल्वीकल्चरल रोटेशन है ये भी ऐसी पेड़ों में ऐसी जगह ही सही लगता है जहाँ जैसे आप रोड के साइड प्लांटेशन कर रहे हो, ये सपोज कहीं प्रोटेक्शन का काम कर रहे हो, एम्यूनिटी वाला काम कर रहे हो, तो दोनों ही लगभग एक से हैं, इनमें कोई ज़्यादा कॉमर्शियल एस्पेक्ट है ही नहीं, ये दोनों ही कॉमर्शियल के काम के नहीं है। डेफिनेशन जो इसकी है वो पढ़ लेना, जब तक वो सेटिस्फैक्ट्री विगर ग्रोथ कर देते हैं, ठीक है। तीसरा जो है यहाँ अपना मुद्दा आता है, ये है टेक्निकल रोटेशन, यानी कि कोई भी पेड़ की एज क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने जैसे बोल देते हैं कि DRDO को एक स्पेसिफिक टाइप का टिम्बर चाहिए उनके अर्जुन टैंक में लगाने के लिए, और वो टिम्बर जो होना चाहिए, आज अगर मैं टीक का पेड़ लगा देता हूँ और जब टीक 35 साल की एज में होता है तब उसकी जो टिम्बर है वो उस क्वालिटी का पहुँचता है जो उन्हें चाहिए, तो मैं आज लगाऊंगा और राइट 35 या 35.5 साल बाद ही काटूंगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि टीक की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या चल रहा है, वो फ़र्क नहीं पड़ता, हमें उसकी जो अंदर की जो हार्ड वुड है उसकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी चाहिए थी, क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक टेक्निकल प्रॉपर्टी चाहिए, उस प्रॉपर्टी जब भी एज में आएगी तभी हम काटेंगे, उस प्रॉपर्टी तक हम वेट करते हैं, इसे बोलते हैं टेक्निकल रोटेशन। उसमें जैसे रेलवे स्लीपर है, वो जिस एज में हमारी मतलब कि वो टिम्बर प्रोड्यूस हो गया हम उसे काट लेंगे। सपोज रेलवे स्लीपर के लिए ये जो पेड़ है अगर आज लगा देते हैं और ये रेलवे स्लीपर की प्रॉपर्टी ये गेन कर लेता है 15 साल में, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पेड़ की परफॉर्मेंस अभी भी और स्पीड दे रहा है या नहीं दे रहा है, भले ही वो और तेज़ी से ग्रोथ करेगा फ्यूचर में, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी जो हमें चाहिए था वो इसने दे ली, एम अचीव कर लिया, काट लो इसे। तो टेक्निकल मतलब
जो भी हम प्लांटेशन करते हैं वो जो स्पेसिफिक साइज एंड शेप या प्रॉपर्टी की वुड चाहिए होती है उस प्रॉपर्टी तक हमें जाना है, जैसे वो अचीव कर लिया हम निकाल लेते हैं। तो टेक्निकल यानी कि आज लगाया 40 साल या 45 साल जो भी रहेगा वो उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से रहेगा। तो ये टेक्निकल रोटेशन है, ये इंडस्ट्रियल भी है, कॉमर्शियल पर्पज़ है इसका। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से ये चलता है। चौथा होता है रोटेशन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोडक्शन, इसको समझते हैं। यह मैक्सिमम वॉल्यूम का मतलब है कि कोई पेड़ है कब अपनी ज़्यादा ग्रोथ दे सकता है, मैक्सिमम वॉल्यूम कब दे सकता है, इसे थोड़ी समझते हैं। पेड़ की जो ग्रोथ होती है उसकी ग्रोथ को आगे जाके इंक्रीमेंट में देखेंगे। एक है करंट एनुअल इंक्रीमेंट और एक है मीन एनुअल इंक्रीमेंट। कहने का मतलब, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिससे अपना मुद्दा समझ में आ जाए। आज ये टेबल ले लेते हैं, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है। आपकी आज जॉब लग जाती है और आपकी फर्स्ट ईयर की जो सैलरी है वो है आपकी 100 रुपये। सेकेंड ईयर आपकी जो सैलरी है वो होती है आपकी 150 रुपये, यानी कि 150 रुपये, ये रही आपकी 150। अब अगर आप करंट देखोगे तो करंट तो आपकी रही 150 और इंक्रीमेंट कितना रहा 50 का। लेकिन अगर मीन इनकम देखोगे तो मीन कैसी बनेगी, 100 और 150 कितना हुआ 250, 250 का दोनों 125। तो मीन इंक्रीमेंट का आपका ग्राफ ऐसा चलेगा, क्योंकि जो भी आपकी बढ़ती जाएगी, करंट आपका अलग चलेगा। करंट एकदम स्टार्टिंग में तेज होगा, 100, 150, 250, 350, जो भी आपकी इनकम मंथली बढ़ती जा रही है, तो ये पैराग्राफ चलता रहेगा। लेकिन ये मीन एक एवरेज है, ओवरऑल उतनी पूरी एज का जो भी निकला उसका एक एवरेज चल रहा होता है। तो पेड़ों में भी ऐसी ग्रोथ होगी। पेड़ों में क्या है, स्टार्टिंग में जो ग्रोथ है वो तेज़ी से होती है, करंट ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से चलती है। एक टाइम के बाद उनकी जो करंट जो ग्रोथ है वो गिरने लगती है। गिरने का मतलब पेड़ छोटा नहीं होगा, जैसे पहले वो हाइट में पहली साल अपनी हाइट में 5 मीटर का हो गया, दूसरी साल वो 5 पहले हो गया था, 5-7 और बढ़ गया, मतलब दूसरी साल हो गया 12 मीटर का, तीसरी साल 27 मीटर का, मतलब इस टाइप से ग्रोथ किया। कुछ साल बाद उसकी जो हाइट ग्रोथ है फिर वो उतनी नहीं होगी, फिर हाइट ग्रोथ में जो पहले 5, 7, 9 इस टाइप से मीटर की ग्रोथ कर रहा था, फिर उसकी ग्रोथ हो जाएगी, गिरने लगेगी। 4 मीटर ही हाइट में ग्रोथ किया, 2 मीटर ही ग्रोथ किया, कुछ टाइम ऐसी भी आएगा कि उसका 1 मीटर ग्रोथ रह जाएगी या फिर उसकी हाइट में ग्रोथ रुक ही जाएगी। तो इस टाइप से जो करंट जो इंक्रीमेंट है, हाइट इंक्रीमेंट बोल रहे हैं, तो एक टाइम के बाद गिरने लगता है और एक टाइम पे वो 0 हो जाती है। लेकिन इसका जो मीन है, जो मीन एवरेज निकल रहा है टाइम के साथ, वो जब तक करंट बढ़ता जाएगा यहाँ तक पहुँचता है तब तक ये बढ़ता ही जाएगा। लेकिन जब करंट गिरने लगता है तो फिर बाद में मीन भी गिरने लगता है। इसे आगे समझेंगे, पूरा पैराग्राफ पे एक सब्जेक्ट चैप्टर है अपना। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है टाइम के हिसाब से सबसे मैक्सिमम होता है, क्योंकि अगर इससे आगे हम जाएंगे तो अपना मीन जो है वो गिर जाएगा। इससे बेटर है कि हमने इसे यहाँ पर काट लो और खेत को खाली कर दो और वहाँ पर फिर से प्लांटेशन लगा दो। तो अपना रहता है मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोडक्शन, मतलब एक यूनिट एरिया से मैक्सिमम जो टिम्बर है उसको प्रोड्यूस किया जा सके, हार्वेस्ट किया जा सके। अब इसका पर्पज कहाँ है, वॉल्यूम का कहाँ ज़्यादा है? वॉल्यूम है जैसे कि फ्यूल गुड इंडस्ट्री, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता लकड़ी छोटी है, बड़ी है, मोटी है, हट्टी है, कट्टी, कैसी, कोई दिक्कत नहीं, कैसी भी हो। पेपर पल्प इंडस्ट्री है, फ्यूल गुड इंडस्ट्री है, इनमें सबसे ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि उन्हें वॉल्यूम चाहिए, क्वालिटी का पर्पज नहीं है। क्वालिटी मतलब टेक्निकल, क्वांटिटी मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम। तो ये मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोडक्शन वाला अपना हो गया। नेक्स्ट इसमें आता है रोटेशन ऑफ हाईएस्ट इनकम या रेवेन्यू। ध्यान दें, अगला रोटेशन आने वाला है फाइनेंशियल रोटेशन, दोनों में कन्फ्यूजन होता है। यहाँ हाईएस्ट इनकम का सेंस लो, हाईएस्ट इनकम या रेवेन्यू। ये रेवेन्यू का मतलब एक्चुअल में बेनिफिट से नहीं है, ये रोटेशन का मतलब है, मैं वही बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दें इसे क्योंकि आगे कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल के लिए
जो अपनी गवर्नमेंट है वो क्या सोचती है कि अगर वो ये फॉरेस्ट का जो एरिया है उसको उसने आज इन्वेस्ट किया है 1,000 रुपये, और रिटर्न में इस फॉरेस्ट एरिया से उसे 1 साल के बाद मिल रहा है 1,050 रुपीज़। तो यानी कि बोला कि आज लगाया और साल भर में मुझे केवल 50 रुपये का गेन हुआ। बोला ये तो कम हुआ है, जबकि कहीं और लगाता तो मुझे 200-300 रुपये का गेन हो सकता था, शेयर मार्केट में लगा था पॉसिबल ज़्यादा गेन हो सकता था। बोला यहाँ पर मुझे साल भर में केवल 50 रुपये का गेन हुआ, तो बोला ये तो मुझे बेनिफिट नहीं है। ये फाइनेंस के हिसाब से, यहाँ पर फाइनेंस के हिसाब से देखा जा रहा है कि उसे ज़्यादा गेन नहीं है। तो यहाँ पर वो रोटेशन जिसमें मैक्सिमम गेन किया जाए उसे बोलते हैं फाइनेंशियल रोटेशन। फाइनेंशियल रोटेशन या एक टाइप से ये जैसे कंपनी का प्रॉफिट मोटिव चलता है वो चीज़ें चलती है, तो फाइनेंशियल जो रोटेशन है वो चलता है कंपनियों के लिए। लेकिन गवर्नमेंट क्या सोचेगी, मैंने 1,000 लगाए कोई बात नहीं, 1,050 नहीं कोई दिक्कत नहीं, जब मैंने 1,000 लगाए यहाँ पर ये 1,000 खर्च कहाँ हुए, यहाँ पर 20 लोगों को मनरेगा के अंदर जॉब दी, 4 ट्रैक्टर वाले यहाँ पर लगे, कुछ और लगे, मतलब यहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, उन लोगों की इनकम जनरेट हुई, उन्होंने कुछ और जनरेट किया। ये लोग घर पे जाते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए टैक्सी लेके जाते थे या बसंती वाला तांगा लेके जाते थे, तो उस तांगे वाले की इनकम हुई। यानी कि सेकेंडरी टर्सरी फोर्थ जो भी इनकम है, तो गवर्नमेंट जो है वो केवल प्रॉफिट मोटिव नहीं देखती है, वो ये भी देखती है कि बकाए की जो टोटल इनकम देखेगी, जो टोटल प्रॉफिट देखेगी वो हाईएस्ट होना चाहिए। उसे डायरेक्ट गेन कम हो दिक्कत नहीं है, लेकिन टोटल ओवरऑल जो बेनिफिट्स हैं उसके पूरे सोसाइटी में जब वो इन्फ्यूज होते हैं तो वो बेनिफिट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। वो है अपना रोटेशन ऑफ हाईएस्ट इनकम या हाईएस्ट रेवेन्यू। इसका मतलब उसका ओवरऑल ज़्यादा होना चाहिए, भले प्रॉफिट जो है वो कम हो बट ओवरऑल ज्यादा होना चाहिए। दूसरा है जो फाइनेंशियल है, उसे समझ चुके हैं कि फाइनेंशियल क्या है, वो सीधी सीधी चलता है, जो अपन को मैक्सिमम प्रॉफिट दे वो अपना है फाइनेंशियल। यहाँ तक उम्मीद है कि अपना ये जो रोटेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा कि 6 टाइप के रोटेशन है, रोटेशन क्या है, उसके 6 टाइप क्या है। एक और आता है क्वेश्चन, कई बार आ चुका है कि आखिर ये जो एक तो ऐसा क्वेश्चन आया कि सॉइल एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, या फिर आपसे ये पूछा गया कि ये जो फाइनेंशियल रोटेशन है इसे कैसे डिटर्मिनेट करते हैं। यहाँ पर सॉइल एक्सपेक्टेशन वैल्यू देख लेते हैं, समझ लेते हैं, इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है और ये बीच में भी एक दो बार काम आएगा कि आखिर ये होती क्या है। ये थोड़ी दिक्कत आ सकती है कि ये क्या होती है। इसे ऐसे समझते हैं, मान इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपके पास अगर ये बोला जाए कि आप दिल्ली में रहते हो और आपके घर में, सपोज आप ओल्ड राजेंद्र नगर में हैं, आपके पास कोई एरिया खाली पड़ा है, प्लॉट पड़ा हुआ है और आपको खरीदना है उसे, आपसे बोला जाएगा कि आप कितने में खरीदेंगे, तो आप उसके रेट कैसे लगाओगे। आप दंतेवाड़ा जंगल वालों के तो नहीं लगाओगे, भाई मैं 10,000 दूंगा, भगा देगा वो, उसकी कुछ करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी ज़मीन की, वो ज़मीन की जो वैल्यू है वो 1 करोड़ है, 4 करोड़ है, वो कैसे आई। वो आई उसके सराउंडिंग के रेट्स है, वहाँ लोगों के एक कॉमन सेंस में चला गया है कि नहीं भाई यहाँ पर ये प्लॉट बेचा था, इसको 4 करोड़ में बेचा गया था 2 साल पहले, तो ये तो कन्फर्म है कि ये जो प्लॉट है इसके प्राइस है वो 4 करोड़ से तो ऊपर ही है। अब कितने होते हैं वो एक अलग मुद्दा है कि वो कितने में देता है, लेकिन 4 से नीचे तो नहीं मिलेगा। यानी कि जो ज़मीन के रेट हैं वो आपस कितने खरीदार हैं, कौन मैक्सिमम वैल्यू पे खरीद सकता है, तो वहाँ पर इंटरेस्ट जो बायर्स हैं उनसे रेट निकल आते हैं। अब सिटी में तो ठीक है, लेकिन अगर कोई जंगल है जहाँ पर मान लेते हैं कोई जैसे लैंड माइनिंग खरीद रहा है, एक बहुत बड़ा अपने पास जंगल का एरिया था और वहाँ पर कल अडानी भाई साहब बोलते हैं कि हमें एक एरिया दे दीजिए जिसमें मुझे यहाँ कोयल की माइनिंग करनी है,
गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हमें ये एरिया ले रहा है तो इसके बगल में आपको कंपा की प्लांटेशन करनी पड़ेगी। तो बोलते कोई बात नहीं, तुमने इतना बोल दिया, मैं इतने बड़े एरिया में कंपा की प्लांटेशन कर दूंगा, फ्री में करूंगा, लेकिन ये एरिया मुझे दे दीजिए। तो गवर्नमेंट इस एरिया का किस रेट पे लगाए? अगर वो ऑक्शनिंग कर दे तो भाई दंतेवाड़ा में कौन खरीदने जा रहा है? वहाँ कोई खरीदार ही नहीं है। तो इस ज़मीन के रेट क्या लगाए जाए, ये कैसे निकाला जाएगा कि आखिर इस ज़मीन के रेट क्या है? दिल्ली या सिटी में लगाए जा सकते क्योंकि वहाँ बायर बहुत ज़्यादा है, सेलर जो है वो सिंगल है, तो इजली जो हाईएस्ट बिडर होगा, जो सबसे ज़्यादा कीमत दे रहा होगा, वही निकल जाएगी उसकी। और फिर वो क्या है कि एक ने बेची तो पड़ोसी भी उसी रेट में अपना देने तैयार होते हैं, उससे हायर में देंगे, उससे नीचे नहीं देंगे। लेकिन जंगल में क्या होगा जब कोई खरीदार नहीं होगा? तो उसका तरीका कि इस ज़मीन का रेट क्या है, उसे निकालने का तरीका होता है सोयल एक्सपेक्टेशन वैल्यू। कहने का मतलब है, जैसे ये वो एरिया है, ये वो एरिया है, इससे एक साल में सस्टेनेबल तरीके से प्रोडक्शन देखा गया है कि कितने का प्रोडक्शन हो रहा है। ये प्रोडक्शन हो रहा है सपोज अपना 10,000 का, यानी कि इस एरिया से अपनी जो नेट प्रॉफिट जो निकल रहा है वो निकल रहा है 10,000 को, मतलब जो भी इससे टिम्बर निकला उसमें मजदूरी वगैरह काट दिए, बकाया की चीज़ें काट दी, तो नेट प्रॉफिट जो निकल रहा है वो निकल रहा है 10,000 का टिम्बर निकला। तो बैंक में मैं कितना पैसा डिपॉजिट करूं कि जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है बैंक में वो अपना 10,000 हो जाए, यानी कि इससे भी इतनी इनकम जनरेट हो रही है तो उससे भी उतनी ही इनकम जनरेट हो रही है, दोनों बराबर है, यानी कि दोनों बराबर होंगे। तो इस ज़मीन का रेट जो है वो वही है जो बैंक में जो हमने ये मनी रखी है, यानी कि इसे सोयल को हम एक्सपेक्ट करके किसी एरिया की वैल्यू निकाल सकते हैं, खासकर जंगल में, इसे बोलते हैं सोयल एक्सपेक्टेशन वैल्यू। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब रोटेशन से रिलेटेड लगभग हर साल क्वेश्चन आ ही जाते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे 18 में इसमें दो क्वेश्चन आए हैं, 18 में दो क्वेश्चन आए हैं, 16 में आया है, 15 में आया है, 14, 13, बीच में गैप हो गया है, यहाँ पर भी 19 भी नहीं आया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस साल आ जाएगा, क्योंकि लगभग बहुत ही कॉमन से टॉपिक है, अक्सर क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं। यहाँ पर अपनी ये वाला जो क्लास है इसे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है अगले वाले में अपना जो फॉरेस्ट है इसका जो रिमेनिंग जो टर्मिनोलॉजी वाला पार्ट वो कंप्लीट कर लेंगे, और जो ईल्ड रेगुलेशन है उसे देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक लेक्चर का रहेगा अपना मुश्किल से हार्डली वर्किंग प्लान, उस वो कवर हो जाएगा, और फिर अपना मीन्स ये लगभग 2 में ये कवर हो जाएगा, 1-2 दिन में। तो कुल मिला के प्लानिंग ये है कि नेक्स्ट 5-6 डे में आपका ये पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि काफ़ी कोर्स जो है वो काफ़ी डिले हो चुका है धीरे धीरे। ओके, अपना टाइम देने के लिए, वैल्यूबल टाइम देने के लिए थैंक यू।